उनको लगा या के साथ विश्व में हो तो कुछ नहीं है तो कहना और यहां कहना ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। और मृत्यु को एक घटना तरीके, मृत्यु को एक घटना तरीके ली जाए है, तत्व तरीके नहीं, ये भी जयेंद्र भाई को अच्छा प्रश्न है। तो घटना कैसे हो सके तत्व नहीं होके, मृत्यु एक घटना है तत्व नहीं है, ये तो बहुत दर्शन शास्त्र की ऐसी गुत्थी है कि तत्व घटनात्मक है कि घटना तत्वात्मक है। जैसे मैं समझूं कि मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से आज की तारीख में कोई भी तत्व तत्व नहीं है, घटना है। कोई भी तत्व तत्व नहीं होके सिर्फ घटना है, घटना माने समझो एन इंसिडेंट, एक वो घटना है, तत्व नहीं है मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से। कोई भी तत्व, फॉरगेट इवन आप भी, एक घटना हो तत्व नहीं हो। अपने को भ्रांति हो रही है कि अपन तत्व हैं, पर दरअसल जो जो जी जा बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तरह से आपको कंस्ट्रक्शन भयो, वो घटना एक है और वो घटना कुछ टाइम पीरियड के लिए शुरू भई है, कुछ टाइम पीरियड तक वो एक्सटेंड दे और वाके बाद वो घटना शांत हो जाए करके, अपन सब एक घटना है, अपन कोई भी तत्व है ही नहीं। और अपन नहीं है सो तो नहीं है, पंच महाभूत भी जो हैं, केमिकल के भी जो भी तत्व हैं वो भी सब घटना है, क्योंकि उनके भी कुछ कंपाउंड हैं, और जो फिजिकल तत्व हैं वो भी सब जो हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कुछ घटनाएं हैं, वो तत्व है ही नहीं। तो घटना और तत्व को या तरीके को द्वैतवाद, मैं समझूं कि गणपति बापा मोरिया हो गया है, तो जो घटना है वो तत्व है, जो तत्व है वो घटना है, वो आपके देखते कोई तत्व अघटित नहीं हो रहे हो तो आपको तत्व लगेगा घटना होते भाई भी, और आपके देखते भाई वो तत्व घटित और अघटित हो रहे हो तो आपको तत्व नहीं लग के वो घटना लगेगा। तो आप आपकी देखने की रेंज कितनी है ये सब या बात पर डिपेंड कर रहे हो, या के लिए घटना और तत्व में बहुत भेद नहीं है, बहुत भेद नहीं है। या रहस्य को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि पुरुषोत्तम और वाकी लीला में भी बहुत भेद नहीं है, लीला वाकी एक घटना है और पुरुषोत्तम वाकी एक तत्व है। यदि अपन पहले से पुरुषोत्तम देख रहे हैं तो अपने को लीला प्रकट हो रही है वो घटना लगेगी, और लीला देख रहे हैं पुरुषोत्तम नहीं दिख रहे हो तो अपने को जो है वो तत्व लगेगा कि ये तो एक तत्व है। सो दरअसल हर बात के साथ यही है, माने महाप्रभु जी तो या एक्सटेंड तक कह रहे हैं कि भक्ति अपने हृदय में होती घटना है के तत्व है, तो दोनों बात कह रहे हैं कि अपने हृदय में वो घटना के रूप में घटित हो रही है, मूल में वो परमात्मा को कृपा को तत्व है। सो तत्व और घटना के बीच में जो या तरीके को द्वैतवाद है वो कब से गणपति बापा अनंत चतुर्दशी में हो गया है, और पुढ़चा वर्षी लगभग नकोचिया एक बार आए सो आए, वो पुढ़चा वर्षी नकोचिया हो गया, तो वहां में बहुत ज्यादा मुख नहीं लगे के सीरियस मैटर है। मैं समझू स्पष्ट भाई बात। और यही लिए गीता में भगवान भी कहे हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यतम, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है उनको हरण करने और रूप, हरण आहरण, हरण करे आहरण के लिए, तो उनको आहरणात्मक मृत्यु उनकी मैं हूं। और जो भी कुछ पैदा होने वाली चीज है वह को उद्भव मैं हूं। तो उद्भव तो घटना है ना, पैदा होना एक घटना है, तत्व नहीं है।
पर भगवान खुद अपने तत्व के साथ वाकु इक्वेट कर रहे हैं कि उद्भवश्च भविष्यताम और मृत्यु सर्वहरश्चाहम। मैं जा वक्त सर्वहर हो जाऊं वह वक्त मैं मृत्यु हूं, मतलब मैं तत्व नहीं हो के सर्वहर कहने से अपने को तत्व लग रहे हो कि सब कुछ हर सके, ऑलमोस्ट इन ए फैशन ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? सर्वहर है, वो एक तत्व है पर वो मृत्यु है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। तो वहां तत्व और घटना के साथ भगवान अपना इक्वेशन बता रहे हैं, ये अपन अच्छी तरह से समझ सकें। और न केवल इतनो, और जैसे ब्रह्म की परिभाषा जब वक्त उपनिषद दे है तो अपन जाने हैं तज्जलान इति शांतम उपासित। तज्जलान मने तस्मिन जायते अनति लियते इति तज्जलम ब्रह्म। सब कछुआ में पैदा हो रहे है, सब कछुआ में स्थित है और सब कछुआ में रीअब्जॉर्ब हो जाने वालों है, वो ब्रह्म है। अब फिर पाछे अपने को प्रॉब्लम हो गई ना कि तो ब्रह्म घटना है के तत्व है, अब झगड़ा करते रहो पात्राधारे घृतम घृताधारे पात्रम। सबसे अच्छी बात या बारे में मैं समझूं, बात मने एक्सप्रेशन, च्वांगजू ने कही है, चाइना का च्वांगजू ने बहुत अच्छी बात कही है। वो च्वांगजू कह है कि असंख्य वस्तुओं के असंख्य रूपांतरण नित्य प्रति हो रहे हैं। असंख्य वस्तुओं के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फिनोमिना, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द वे में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हमें पहले क्या और पीछे क्या है, तो वो कहे कि देर कैन नॉट बी एंड विदाउट बिगिनिंग एंड देर कैन नॉट बी बिगिनिंग विदाउट एंड। तभी हमें पहले और पीछे कैसे बताऊं, क्योंकि हर असंख्य तत्व निरंतर जो है वो दूसरे तत्व में रूपांतरित तो होते रहते हों, वहां में कहां से बिगिनिंग खोजनी और कहां से एंड खोजना। एक सीधी लाइन हो तो अपन बिगनिंग और एंड खोज सकें, पर जो कंटिन्यूस साइकिल रूपांतरण की चल रही है तो हमें बिगनिंग कहां से खोजनी, च्वांगजू कह रहे, और एंड कहां से खोजना। बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है यह सारी बात को कि निरंतर जो है वो अपने यहां भी यही लिए यकल्प सकल्प पूर्व निरंतर ब्रह्म में सुसृष्टि उत्पन्न होती रहे, निरंतर स्थित होवे, निरंतर लीन होवे, फिर लीन होने के बाद फिर पाछी निरंतर उत्पन्न हो, निरंतर स्थित हो, निरंतर लीन होती हो, वहां से पहलो क्या और अंत क्या, प्रथम क्या, आदि क्या और अंत क्या। तो च्वांगजू कहे कि हमें न तो कुछ आदि है न तो कुछ अंत है, बस तुमको तुमने जहां से देखना शुरू किया वहां से आदि लगेगा तुमको, जहां तुम देखना तुम्हारो बंद हो जाएगा वहां अंत है। कोई भी थिएटर में अपन 3 बजे को शो देखने जा रहे हैं तो 6 बजे अंत हो जा रहे हो, पर 6 बजे जो थिएटर में फिल्म को शो अंत हो रहे हो वो 6 बजे पाछे दूसरो शो शुरू नहीं हो रहे हो, ऐसे थोड़ी है। वो 9 बजे तक पाछे चलेगा, वो पाछे अंत हो जाएगा 9 बजे, वो पाछे 9 से 12 को तीसरो शो नहीं चलेगा, ऐसी बात थोड़ी है। अब ये तो अपने वो आतंकवादियों के डर के कारण अपन ने 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद शो बंद कर दिए, नहीं तो आखिरी रात भी शो चलाना हो तो चल सकें। अभी कल ही मुकू वो भांगवाड़ी को जो गीत सुनाया तो वहाँ पे मुकू कोई ने बताई कैसे भांगवाड़ी में जो नाटक होते थे वहाँ में क्या होते, आज के तरह नाटक में भी एक नाटक प्रकट होते तो क्या होते कि कोई भी नाटक में अचानक कोई संवाद कोई गीत अच्छा लग जाता तो ऑडियंस में से हल्ला मचता, वंस मोर नाटक में पाछे वो वंस मोर होते तो वो घंटा में पूरे होने के बजाय नाटक सुबह 4 बजे तक चलते तो वंस मोर हो गई तो क्या करें। आजकल नाटक वाले थोड़े सीरियस हो गए हैं, नाटक को बहुत सीरियसली करते हूँ मैं, वह वक्त नाटक वाले नाटक पनों भी इतना लाइटली करते थे कि कोई ने वंस मोर कह दी तो वही ड्रामा वही डायलॉग वही स्टोर फिर पाछा रिपीट। तो जो 12 बजे पूरे होने के बजाय बहुत सारे नाटक सुबह 4 बजे तक चलते थे क्योंकि पब्लिक को पसंद आ जाता, फिर वंस मोर आला फिर चालू चल। तो यहाँ में कुछ सीरियसली लेने लायक बात है नहीं, मैं समझू के और याली मैं समझू के ये सारे एस्पेक्ट को अपन देख लें तो आपके प्रश्न को
अब मैं नहीं समझू कि मैंने कोई भी साइड ट्रैक की हो। मैं जाके देखे तब मुझे ख्याल आया फिर बहुत सारे एस्पेक्ट छूट गए। खैर तत्सार भूत रास स्त्री भावपूरित विग्रह रास रसिक लीलामृत रहत सदा। या वंस मोर तीसरे कीर्तन की जो आखिरी लाइन है वाको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। कह तो गोविंद अन्य सबे उपाय को उपाधि जानी तजो हानि हो तो जाते। कहत गोविंद अन्य सबे उपाय को उपाधि जानी वो कुत्ता को याद कर। नहीं नहीं कंपाउंड वॉल पे चढ़ने को जो उपाय कर रहे हो तो वो उपाधि हती करनी। आधे घंटा तक मैंने भी वहां के दर्शन किए क्योंकि मुझको भी लगे कि अभी आपको परिणाम क्या आएगा क्योंकि मैं तो दिंग मूड हो गया तो कि अब या टसल को अंत कैसे हो सके। पानी खाली नहीं होएगो और पानी में जंप ले सके नहीं वो और जंप ले नहीं सके तो जैसे शार्क है व्हेल है पानी में जंप ले लें। कुत्ता बेचारा पानी में जंप तो नहीं ले सके तो कंपाउंड वॉल पर चढ़े नहीं तो बचे कैसे। तो मुख भी हो गए कि मरेगो के डूबेगो तो कहीं ना कहीं कुत्ता को ये रियलाइज भयो ना कि और सब उपाय को उपाधि जानी। भगवान ने जो दो टांगे चार टांगे दी हैं उनको थोड़ा हॉराइजेंटल बनाओ वर्टिकल को लोभ रखने के बजाय पट पट तैर के निकल गया। जिन साधन में साधन बुद्धि होती वहां उद्धार के कोई चांस नहीं होते। और ये तो कुत्ता को भाग गया तो कि ज्यादा पानी नहीं आया और वही उपाय को पकड़ के रहते हो ना तो मरना ही निश्चित है। तो माने साधन में सुसाधन बुद्धि हटा के जो सिद्ध है वाको साधन तया उपयोग करके इतनो खूबसूरती से तैरते चले गयो कि देखते ही रह गयो मैं कि कौन से स्विमिंग पूल में जाके आने सीखे हो तैरनो। कुत्ता कोई स्विमिंग पूल में तैरने जावे ऐसे मैंने देखे नहीं आयो ख्याल ठीक है। हाँ अरे माइक में ये श्री भागवत पीयूष समुद्र मत न क्षम वामे ही और आवाज नहीं आ रही है। और उपाय सबे तजो श्री वल्लभ पद कमल भजो सुभग मूर्ति मम हृदय आनी अनिमिख न विचारो। अनिमिख माने हाँ निमेश यानी एक पलक को गिरनो अनिमेश उतना भी अंतर आए लाए बिना ठीक है। तो कल मैंने आपको जो दो ब्रेकअप दिखाए थे तत्सार भूत रास स्त्री भावपूरित विग्रह के
या में अपन देख सकें के महाप्रभु जी के स्वरूप में या ब्रेकअप के हिसाब से दोनों पॉसिबिलिटी हो सके। पंक्चुएट अपन कैसे कर रहे हैं या नाम को, वहां पर डिपेंड करेगो। तत् मतलब भागवत, वह भागवत को सार भूत जो है वो रास है, और वह रास में स्त्री भाव जो है वासुपूरित महाप्रभु जी को स्वरूप है। एक अर्थ यह है। ये मैं थोड़ी मिस्टेक कर गयो, ये जो हाइफन है ना भाव के बाद लगा दे। हाँ, तत्सार भूत रास स्त्री भाव, वहां हाइफन लगा दे, जैसे बात स्पष्ट हो जाए। देर यू आर, सुधार ले जाओ सब, धांधल में गलत लिखा गया। तो फिर से देखो, तत्सार भागवत को सार। अब भागवत को सार रास नहीं है, पर रास स्त्री भाव है। भागवत को सार रास नहीं है पर रास स्त्री भाव है, और वो भागवत को सार जो रास स्त्री भाव है वा भाव सु महाप्रभु जी को स्वरूप पूरित है। माने वा भाव, वो भाव महाप्रभु जी की पर्सनालिटी में छलक रहे है। पूरित को मतलब छलक रहे हो वो भाव। सॉर्ट ऑफ अपन के महाप्रभु जी की वाणी में, महाप्रभु जी के विचार में, महाप्रभु जी की बॉडी लैंग्वेज में वो भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे दो ब्रेकअप हैं। और साथ ही साथ ये कथकड़न ने कबाड़ा कर रखे है। दरअसल भागवत ऐसे नहीं सोचे है, न महाप्रभु जी ऐसे सोचे हैं कि रास जो है वो दशम स्कंध को ही विषय है। महाप्रभु जी को क्लियर कट कंसेप्ट और भागवत को क्लियर कट कंसेप्ट यह है कि दशविध लीला एक रास है, और वह रास के अंतर्गत दशम स्कंध में एक और रास है। भगवान की जो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति, ये जो लीलाएं हैं ये भी एक रास हैं। इवन महाप्रभु जी ने और सब टीकाकारण सु थोड़ो अलग हट के यहां तक बता दिया कि फॉरगेट इट आश्रय भी एक रास है, आश्रय भी एक रास है। तो वो भागवत की दशविध लीलाएं हैं। श्री कृष्णम परमानंदम दश लीला युतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परन्नुम। दसों के दस लीला, माने तृतीय स्कंध से शुरू होकर बारहवें स्कंध तक की दसों की दस लीला एक रास है, और वह रास के अंतर्गत दशम स्कंध में फिर से एक रास है। ये तो पाछो नींद आवे ऐसा विषय है, पर नींद उड़ने के लिए इतनी बात सार में समझो। रास क्यों है, ये दोनों बातें रास क्यों है, यही तो अपने को समझना है ना। दो तरह के रास कैसे हैं वो तो बात की कथा है, पहले रास क्यों है, रास क्या। महाप्रभु जी ने वाको खुलासा कियो है, रसा नाम समूह हो रास। रस को जो समूह है, बहुत सारे रस जामे एकत्रित होवे इकट्ठे होवे,
वाकु रास कह जाए। अब ये यूसेज को नहीं है हो, या कोई गुजराती में तुम रासड़ो को हो ना, वो रासड़ो ये नहीं है। एक रासड़ो अलग बला है पाछी गुजराती की, वामे रसा नाम समूह है के समूहा नाम रस है। मैं मजाक नहीं कह रहा हूं, बहुत सीरियसली कह रहे हूं, मेरी हंसने की आदत है, आलिए हंस के कह रहे हूं बाकी समूहा नाम रस है, समूह को वामे एक रस पैदा हो रहे हो है, रसन को समूह नहीं है। बात समझ में ही ना। मैंने सबसे पहली बात यह है जो गुजराती को यूसेज है रास को, रासड़ो, वो बहु नर्तक नर्तकी नृत्यम रासम है। कोई एक डांसर को या दो डांसर को डांस रास नहीं है, बहुत नर्तकी और बहुत नर्तक मिलके एक साथ नाचे वाकु रास के हैं, गुजराती में रासड़ो के हैं। एक कोई आदमी नाच तो हो, वाकु रासड़ो नहीं कह जा सके। ये जो लाचारी है ना, ये मनुष्य की है, ये लाचारी ब्रह्म की नहीं है। वो अकेलो ऐसा नाच सके है, एको हम बहुश्याम प्रजा ये न्यायसु, कि वो अकेलो होते भय भी अनेक रूप धारण करके नाच सके है, करके रासड़ो के अर्थ में यदि लेनो हो ना रास, तो भी दशविधि लीला रास है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब जा वक्त वाने ये सोचियो कि एको हम बहुश्याम द्वितीयो में आत्मा जाए त आत्मन्विश्याम, बहुत सारी बहुत सारे वाने तत्व पैदा कर दिए नाचने के लिए, अकेलो खुद नहीं नाच रहे हो, नाचने के बहुत सारे एलिमेंट वाने पैदा कर दिए और उनके साथ नाच रहे हो, तो समूहा नाम नृत्यम, समूह नृत्य आयो ना, वो अर्थ में भी वो रास है। पर भागवत जा बखत वाकु यो कह रही है कि दशविध लीला रास है, वा बखत समूह नृत्य के अर्थ में नहीं कह के दूसरे अर्थ में कह रही है। और वो कौन सा अर्थ है वो ध्यान से आप देखो, बहुत सुंदर वहां कह है कि सश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेशु निमित्त लीला रासायते नम इदम चक्रमेश्वराय। विश्व की उत्पत्ति स्थिति लीला को एक रास है, आखे लीला को एक रास कह रहे हैं। और महाप्रभु जी वहां खुलासा करते वक्त एक बात बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो रास है वो कर कौन रहे है, स्वरूप महसैव, स्वरूप महसैव, जैसे आज अपन नाचे गुजराती को रासड़ो की बात कर रहे हूं, तो गुजराती को रासड़ो मैं कोई डेरोगेटिव सेंस में नहीं कह रहे हूं, निंदा के अर्थ में नहीं कह रहे हूं, जब को रासड़ो कह रहे हो वाकु, वो रासड़ो बाद में गर्भो हो गए हो, गरबा हो गए हो, वो सब अलग कथा है। वो कोई कारण से वाकू, क्योंकि वो मटका लेके नाचते थे और मटका में छेद करते थे और वहां में दिया रखते थे और वो दिया में से वो मटका के छेद में से वो दिया बाहर आते, तो वाह के कारण वाकू गरबा शब्द आ गया, गर्भो घूम तो जाए, क्या है वो कुछ है ना, हाँ गर्भो घूमता जाए, तो वो गर्भो जो है ना वो माथे पे घड़ा रख के वो घड़ा में छेद और वो घड़ा में दिया जोड़ के वाकु लेके नाचने के कारण वो रासड़ो जो है वो गर्भो हो गयो, वो गर्भो को फिर पाछो गरबा हो गयो। ये शब्द यात्रा से यात्रा करते रहे, मैं वा अर्थ में रास जो है माने जो रासड़ो है वा में हर वक्त अपन एक बात समझ सके। वैसे
वाराज की एक वैरायटी काठियावाड़ में हिचमची भी है, शायद आप लोगों को यहाँ बंबई में वो पता चले कि नहीं चलती होगी। और वाकी एक और वैरायटी है, पुरानी भाषा में आपको हल्ली सक नृत्य कहते थे, हल्ली सक नृत्य, अब वो शब्द प्रयोग में नहीं रहे हो, पर वहां में क्या हुआ है कि जैसे एक स्त्री या पुरुष है तो वो सेंटर में आवे, वा को एक सर्कल ले, वा की यूनिट पाची यहां आ जाए नाचती भाई, यहां दूसरी यूनिट आवे एक कपल की, वो अब मेल अंदर रहे और फीमेल बाहर रहे या फीमेल अंदर रहे और मेल बाहर रहे, वो एक अलग प्रकार है, अपने चॉइस पे डिपेंड करे, या टर्न बाय टर्न भी वो हुए है, तो ऐसे वो एक कोई बाहर रहे और एक वाको परिक्रमा करे, और वो परिक्रमा करते जाए और वाको एक आखो सर्कल बने, वो कोई एक सर्कल बना के एक कोई और परिक्रमा करते हुए बीच में देवी रख के या बीच में कोई को रख के या ऐसे कुछ, ख्याल में आया ना, ऑलमोस्ट जो अपनी अपनी जो ये सोलार सिस्टम है ना, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते जाए और वाकु लेके पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती जाए, वो पूरा एक सोलार सिस्टम जो एक रास है, बात समझ में आई, वो कंटिन्यूस रास चल रहे है। वा तरह से भी होता तो नृत्य कि एक याकी परिक्रमा करे और वा परिक्रमा के समेत वो एक दूसरी परिक्रमा बड़ो परिक्रमा करे, तो एक या तरीके को रास, और वहां में अपन समझ सके हैं कि बहुत रस होते भय भी दो दो में कन्फाइंड है, सो टू से कोई एक कपल उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनकी पता नहीं क्या चॉइस है, वो तो पति पत्नी पर डिपेंड करे या दोस्त दोस्त पर डिपेंड करे कि बीच में कौन रहेगा और चक्कर कौन मारेगा, तो वो जैसे चक्कर मारनो है जो चक्कर मारते हो वो चक्कर मारे और एक बीच में रहे और वो दोनों मिलकर फिर एक चक्कर मारे बड़ो सर्कल लें, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करे। तो वहां में जो रस है ना वो दो दो के बीच में अलग अलग विभक्त रस है, चाहे तो स्नेह को रस ले लो, चाहे तो नाचने को रस ले लो, चाहे तो प्रेम को रस ले लो, जो भी रस ले लो, श्रृंगार रस ले लो, जो भी रस ले लो, आप लोगों ने कभी मारवाड़ इनको रास नहीं देखे, मारवाड़ इनको रास और जोरदार हो, जैसे कोई तलवार चलती हो ना ऐसे रास करें, वहां में मैंने वो श्रृंगार रस के बजाय वीर रस प्रकट होते हुए हुए वो रास ही है देखने लायक हुए मारवाड़ इनको रास, बहुत फैंटास्टिक हो गए, बाकायदा डंडा ऐसे चला में जैसे कोई तलवार चला रहे हो, अपने को देख के ही लगे कि हाँ कुछ गंभीर कथा है यहाँ में, अब वो हुए रास ही है पाछो, खास करके गणगौर में हमारे यहाँ बड़े मंदिर में हर साल होता तो वो रास, अब बंद हो गए हो तो वो भी एक रास है हो, कई रस हो सके, कोई जरूरी नहीं है कि श्रृंगार रस के ही रास हो, में वीर रस के रास हो सके, कुलू और मनाली और यहाँ कुमाऊ यहाँ सब कई तरह के रास हुए हैं, भूत प्रेतन के रास हुए हैं, एक व्यक्ति भूत बन जाए प्रेत बन जाए वो मनुष्य के साथ रास करे, माने भयंकर रस के रास हो सके हैं। अपन ने ये खोटी धारणा बना ली है कि जब रास हो रहे हो मतलब श्रृंगार रस ही है, भारत की कल्चर में रास के सब रसन में रास हैं, या बात को मत भूलियो, सब रसन में रास अलग अलग प्रांतन में हो रहे हैं कई तरह से, मूल टेक्निकल बात इतनी है कि एक नाचने वालों नहीं नाचे और बहुत नाचे तो वो रास कहलावे, रसा नाम समूह के अर्थ में, ये अपने रास की लिमिटेशन है, पर वाके रास की ये लिमिटेशन नहीं है, वो एक होते भय भी अनेक रूप धारण करते भय भी एक रहते भय भी रास कर सके है, यह वा रास की वैरायटी है, और वा वैरायटी के कारण भागवत यूं कह है कि जहां भी वो कपल बन रहे हैं नाचने के लिए दो, या एक ग्रुप बन रहे हो नाचने के लिए, अभी रिसेंट डेवलपमेंट में ऐसा भी डेवलपमेंट
बात तरफ गुजरात में भयो है कि नहीं भयो मुको एग्जैक्ट नहीं ख्याल है क्योंकि मैं दौरा कम करूं और बम्बई का मुको बराबर ख्याल है कि यहाँ ये जो गरबा हुए ना वहाँ में 5-10 जने अपना ग्रुप बना के वो नाचते रहे और ऐसे 10-10 ग्रुप 5-5 10-10 के ग्रुपन को आपको एक बड़ो सर्कल बने नाचने को, ऐसा भी रास हुआ है। जो रास की जो पुरानी नृत्य की परिभाषा आती जिनमें डिफाइंड नहीं है, ये मॉडर्न मने इनोवेशन है वह रास को, और अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। वो 10 को एक ग्रुप आ जाए, वो गाने वालों एक गीत गातो रहे, कोई वहाँ में कैसे नाचे, कोई कैसे नाचे, कोई कैसे नाचे, वो बूढ़े बूढ़े सब एक साथ नाचे, बूढ़े बूढ़िया एक साथ नाचे, जवान जवान एक साथ नाचे, अलग अलग बाकी सब रसा नाम समूह रासा वा ढंग से। पर वो एक इनोवेशन भयो है स्टाइल वाइज नृत्य की। पर कोई भी सिचुएशन में एक बात भूलने की नहीं है, वो ये है कि रसा नाम समूह हो रासा, वो जो समूह बन रहे है वो समूह अनेकन को बन एक समूह बन रहे है कि एक को अनेक समूह बन रहे है। तो सृष्टि की प्रक्रिया में वेदांत और भागवत अपने को ये समझा रहे है कि एक तत्व को अनेक समूह बन रहे है और सृष्टि में अनेक समूहन को अनेक व्यक्ति को एक समूह बन के रास हो रहे हो, ये बेसिक डिफरेंस है। सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में एक को अनेक समूह बन रहे है और सृष्टि पैदा होने के बाद जो रास चल रहे हैं उन रासन में अनेकन को एक समूह बन रहे है। अब वो समूह 2 को बने, 10 को बने, 5 को बने, जो मॉडर्न इनोवेशन भयो है वातरसु, वो चांस पे और स्टाइल पे डिपेंड करे है। मल्टीपल स्टाइल हो सके हैं, सृष्टि रुकतार अनेक अधा, महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा करे हैं कैसो ये सृष्टि को एक प्रकार नहीं है, अनेक प्रकार हैं और अनेक प्रकार से सृष्टि प्रकट भई है। सो अनेक प्रकार से सृष्टि को रास हो सके है, या बात को ध्यान से समझो। तो या लिए तत्सार भूत रासस्त्री के जो ये दोनों ब्रेकअप अपन ने देखे, उन ब्रेकअप में अपने को ये बात खास समझने की, आपको लगे कि मैं ये तत्सार समाते हुए ये सब कहाँ समझाने लग गया, पर उल्टी बात नहीं समझा रही हूँ, ट्रैक पे हूँ मैं, माइंडेड अपने अपने माइंड को पाछा ट्रैक पे लाओ। तत्सार भूत रासस्त्री में जो दो ब्रेकअप हैं, वह ब्रेकअप में से पहला ब्रेकअप क्या कह रहे हो है कि भागवत को सारभूत रास है फिनोमिना, माने आखी भागवत की थीम यदि कुछ है तो रास एक थीम है। बात समझ में आई? वह थीम के ऊपर स्टोरी है, वह स्टोरी के ऊपर डायलॉग है, वह डायलॉग के ऊपर फिर बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं और एंट्री और एग्जिट हैं, वो सब बात अलग है। थीम क्या है भागवत की? रास। बात समझ में आए? तत्सारभूत रास, और वह रास में स्त्री भाव होनो, स्त्री भाव होना माने साड़ी पहन के नाचना नहीं, स्त्री भाव होने का मतलब है शास्त्र के हिसाब से स्त्री भाव माने मैं कोई के लिए, या भाव को स्त्री भाव कहें, कोई मेरे लिए या भाव को पुम भाव कहें। कुल मिला के मतलब क्या भयो कि यदि सारी सृष्टि एक रास है, एक रास है, और वह रास में मैं वह रास के लिए हूं। अब आपको या को मॉडल में देखो समझाऊं तो ख्याल में आ जाएगा। जैसे कोई समझ लो कमर्शियल रास को शो रखो गयो है या फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कियो गयो है, वहां में प्रोफेशनल आर्टिस्ट सब बुलाए गए हैं, नाचने के शौकीन नहीं, नाचने को प्रोफेशन वाले, वो जो हैं वो रास के लिए हैं, रास उनके लिए नहीं है। यदि थोड़ो भी गलत नाचे तो डायरेक्टर क्या कहगो? गेट आउट। कहगो कि नहीं कहगो? क्योंकि वो जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बुलाए गए हैं वो रास में नाचने के लिए बुलाए गए हैं, रास उनके लिए नहीं है।
और जब अपने यहां नवरात्रि में रास हो रहे है, वह अपन रास के लिए नहीं है। जितनी देर अपने को नाचना है उतनी देर नाचे, नहीं नाचने तो अपन घर जाके आराम करें। सब लोग नाच रहे हैं तो नाचते रहे, अपन को नाश्ता करना है तो अपन नाश्ता भी कर सके, तो वो रास अपने लिए है। बात समझ में आई ना? रास के लिए अपन या रास अपने लिए? यदि अपन रास के लिए तो अपनो स्त्री भाव है, और यदि रास अपने लिए तो रास में अपनो पुंभ भाव है। यह नवरात्रि में आयोजन हुए ना, पब्लिक के लिए हुए हैं, पब्लिक वाके लिए नहीं है। वाको अपन स्पष्ट देखो, ऑब्जर्व कर सके ना कि जाकू ग्रुप को या कपल को जितनी देर नाचना है नाचे, नहीं नाचना है तो नहीं नाचे, इट्स अप टू देम। पर यदि रास के लिए कोई आर्टिस्ट बुलाया गया है, वो नाचते नाचते अचानक यूं कह के अब हमको जो है वो मुक्ति की इच्छा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अब हम मुक्त होना चाह रहे हैं, आपको बांध के नचवाया जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गई है। बात समझ में आ रही है मेरी? आर्टिस्ट या तरह से भाग नहीं सके, यदि डांस को शो रखे है, रास के डांस को शो रखे है, आर्टिस्ट भाग नहीं सके है। वामे वाको स्त्री भाव बाय हुक और बाय क्रुक वासु पलवायो जाएगो, पलवायो जाएगो, पलवायो जाएगो। प्रभु ने जो जगत रास रूप ये जो जगत पैदा कियो है, वामे स्पष्ट भागवत क्या है कि क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतंते स्वाम्यंतु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यो। ये सारी सृष्टि को रास तेने खुद के नाचने के लिए कियो, या में कोई ऐसा अभिमान करे कि ये मेरे लिए है तो हूं करूं हूं करूं, एज अज्ञानता शकटनो भार जेम श्वांताने जैसी स्थिति है। या में भोक्ता तू नहीं है, भोक्ता कोई और है, जहां मैं आर्टिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नाचने के लिए बुलाया गया, वाकी वा में वाकी फ्रीडम ऑफ विल अलाउड नहीं है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट नाचना ही पड़ेगा, 3 घंटा को शो है तो नाचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। यह आखो सृष्टि को रास भगवान ने तुम्हारे लिए नहीं कियो है, आत्मरति के एक्सटेंशन के रूप में कियो है, खुद की आत्मरति के एक्सटेंशन के रूप में अनेक नाम अनेक रूप धारण करके ये रास प्रकट किए है। या रास में अपनो स्त्री भाव होना जरूरी है कि अपन रास के लिए हैं, रास मेरे लिए नहीं है। यदि अपन भोक्तृभाव पैदा कर रहे हैं तो वाकु शास्त्र कह रहे हो कि तुम्हारो अहंकार है, ये तुम्हारो ममकार है, और वाक्य तुम्हारो नैरो जो विजन है वाक्य कारण तुमको या मैं वो जैसे कुत्ता को लगे है कि गाड़ी के नीचे मैं चल रहा हूं या सु गाड़ी मेरे पे चल रही है, मेरे कारण चल रही है ना, वो गाड़ी तो कोई और कारण से चल रही है, तुम गाड़ी के नीचे चल रहे हो, गाड़ी तुम्हारे के कारण नहीं चल रही है। बात समझ में आई? वाही रास को जो सृष्टि को रास है, जो एक ने अनेक होके कियो, एक समूह बनियो, वामे सृष्टि के अंतर्गत समूह को फिर एक अनेकन को एक समूह बन के रास भयो, वो जो रास है वो दशम स्कंध को रास है। जामे जीव भगवान को फटकार भी सके, नैवम विभोरति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम प्राप्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजस्म। हु आर यू टू डिनाय? अभी हमारी नाचने की इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम कह रहे हो कि जाओ घर, नॉट अलाउड। आया ना, मैवम विभो रहती या तरह की तुम निष्ठुरता हमारे साथ नहीं बरत सको। हम यहां नाचने आए हैं और वह नाचने में अचानक तुम ऐसे हमको नहीं निष्ठुर बात कह सको कि जाओ नाचो मत, घर जाओ, नाचना पड़ेगा। ये कौन सा भाव है? पुंभाव आ गया, ये पुंभाव आ गया उनको, ये पुंभाव आने के कारण वो कह रहे हैं कि नाचना पड़ेगा। कैसे नहीं नाचोगे? क्यों बंसी बजाई, क्यों बुलायो, खुलासा करो। ये तो अपन गोपी गीत पढ़े,
और ये जो गीत पढ़े मैभव विभव रति, तो अपन देखें कि ठाकुर जी को बड़ी बड़ी डांट लगाई है, बड़ी बड़ी डांट लगाई है, और वो डांट लगा के उनको कंपेल किया गया है। तो वो काय के लिए है? वो जो रास में जो भोक्तृभाव इनको है, रास में पार्टिसिपेट करने वाली स्त्रियन को भाव भोक्तृभाव है, वो पुंभाव है उनको, और वो पुंभाव महाप्रभु जी के हैं कि जब भी इंटीमेसी डेवलप होवे तो दूसरों सहन करे, इंटीमेसी डेवलप नहीं होवे तो वो न तो सहन करे न वकू चलने दे। तो वाके लिए सर्वात्म भाव होए तो वो इंटीमेसी डेवलप होवे, और वो सर्वात्म भाव होए और वह तरीके की इंटीमेसी डेवलप भई होए तो दूसरे को भोक्ता पनो तुम एंटरटेन कर सको हो, वाकु तुम अलाउ कर सको, नहीं तो तुम अलाउ ही नहीं करोगे। दूसरे को भोक्तापन तुम कैसे अलाउ करोगे? आयो ख्याल में? तो वो जो भाव है तत्सार भूत रास स्त्री भाव, भागवत को सार भूत जो रास, वह रास में पार्टिसिपेट करने वाली जो स्त्री श्रुति रूपा और ऋषि रूपा, उनको जो भाव, कौन सा भाव? मैवम विभोर हति भवान। ऑल ऑफ सडन हम यहां आ गए और वाके बाद तुम हमको ऐसे नहीं कह सको कि चले जाओ, नाचने के लिए आए हैं, नाचेंगे नहीं, बिना नाचे नहीं जाएंगे। आयो ना ख्याल में? वह भाव सुपूरित भी विग्रह है महाप्रभु जी को। बात समझ में आई कि माथा दुख गया? अरे रास की बात कर रहे हो यार, माथा दुखाने की बात नहीं कर रहे हो, बड़ी रसिक बात कर रहे हो। रास रसिक लीला मृत रहत सदा भीनो। तो वो ध्यान से देखो, ये जो थीम है, शश्वत स्वरूप मसहैव निपीत भेद, भगवान को स्वरूप कैसो है? शश्वत स्वरूप अहसैव निपीत भेद, भगवान की जो अवेयरनेस है या रास में, वो निपीत भेद है। जयेंद्र भाई भेद को पी गए, बाहर नहीं है भेद। निपीत भेद मोह, भेद और भेद के मोह को भगवान पी के रास कर रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है? कि सृष्टि रूपी रास भगवान दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं, वाके भोक्ता भी खुद हैं, उनको खुद को आत्मरमण है। आत्मरमण होने के कारण भेद और भेद के जो मोह हैं वह को पी गए हैं। निपीत भेद मोह, क्यों पी गए? भागवत का कितना अच्छा शब्द वाके लिए वापरे है, ये देखो, शश्वत स्वरूपम अहसैव, वो शश्वत स्वरूप ही भगवान को ऐसा है कि वा पर्सपेक्टिव में यदि रूप और नाम को देखोगे तो रूप नाम को भेद नहीं दिखेगो। वा पर्सपेक्टिव में जो भगवान की अवेयरनेस है रूप नाम और कर्म के बारे में, भगवान की जा तरीके की अवेयरनेस है, वह अवेयरनेस इन रूप नामन के प्रभेद को देखोगे तो भेद इनमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रूप भी ब्रह्मात्मक है, नाम भी ब्रह्मात्मक है, और कर्म भी ब्रह्मात्मक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अवेर ब्रह्माग्नव ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सब कुछ ब्रह्मात्मक है। ब्राह्मिक अवेयरनेस देखोगे तो, और जो पर्टिकुलर रूप नाम प्रकट भए हैं उनकी अवेयरनेस में हर रूप को ऐसे फील हो रहे हो, बाकी जो पर्सनल अवेयरनेस है, हर नाम की जो पर्सनल अवेयरनेस है, वहां में स्पष्ट ऐसा अपने को लग रहे हो कि यार या नाम को अर्थ तो ये रूप है, ये रूप तो हो ही नहीं सके। जैसे मृत्यु को अर्थ अपने यहां मृत्यु है, वो मृत्यु तो हो ही नहीं सके ना, कि जब भेद मोह को पी जाने की मृत्यु, वहां वो
सर्वग्रासी है, यहां वो सर्वग्रासी नहीं है। बहुत लिमिटेड वाको सर्कल बन रहे है, क्योंकि हर रूप, जैसे मैं मोकू, मेरी अवेयरनेस में आप दिखलाई नहीं दे रहे हो। हर अपनी, कोई को मैं मेरो मान सकू हूं, कोई को मैं नहीं मान सकू, क्योंकि मेरी जो मेरी पर्सनल मेरी अवेयरनेस है, वहां में आपको कोई शेयर नहीं है। सब कछु आपको ही है हो, पर वो झांसा ऐसा है कि मुझको लगे ही नहीं है कि आपको कोई कंट्रीब्यूशन है। मेरी मैं में, मेरे मैं में आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब मैं सोचूं तो मुझको यह लगे कि मेरे मैं के कारण मुझको आप सब तू दिख रहे हो। वैसे चुआंगजू की बात याद करो तो हर मैं कोई तू में से निकल रहे हो, और हर तू जो है वो मैं में से निकल रहे हो। बात समझे? अपने यहां या के लिए अपन ने अहंता ममता शब्द रखियो, अहंता और ममता। मुकु मेरी अवेयरनेस अहम के तरह हो रही है, और आप सबकी अवेयरनेस या तो मेरे या मेरे नहीं या तरह से अवेयरनेस हो रही है। मेरे नहीं तो वो जो मैंने चार्ट बताया था ना, देख लो, रिफर कर लो, एक वक्त लिया है यहां ऊपर ऊपर, ये तो यदि मेरे तो अद्भुत हास्य रति शांति मुख हो रही है, और यदि मेरे नहीं वीर क्रोध भय शोक विभत्स की प्रतीति हो रही है। मेरे नहीं, मेरे नहीं को, मेरे नहीं की मुकु, मेरे नहीं मुकु कौन से पर्सपेक्टिव में दिखेंगे? इन पर्सपेक्टिव में दिखेंगे, और मेरे मुकु या पर्सपेक्टिव में दिखेंगे। वातरेसु अहंता ममता को अपने या तरसु अपन मैनेज करें। बात समझ में आई ना? ये सौम्य और उग्र को भाव बतायो तो जो भी मेरो है वहां में मुकु कुछ अद्भुतता लग रही है, वहां के कारण मुकु प्रसन्नता हो रही है, वहां में मुकु प्रेम हो रहे है, वहां के कारण मुकु शांति मिल रही है। अरे को गीत है ना, तेरे बिन जी नहीं थकता, तेरे बिन जी नहीं लगता, तुझ पे वारे दो जहान अरे कुर्बान। कोई कव्वाली टाइप का गीत मैंने सुनिया, कोई तो फिल्म गाना को एक्सपर्ट होगा, आपको पता होगा। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं थकता, तुझ पे वारे दो जहान क्या कुर्बान कुर्बान। पता नहीं कोई 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 को, 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 को गीत मैंने सुनिया है ऐसा, तेरे बिन जी नहीं लगता ऐसे कुछ मुझे तो वो क्या है, ममको पैटर्न है। और जहां लग रहे है जी, और तेरे कारण तकलीफ हो रही है, न मम न मम न मम न मम ऐसा हुआ है। समझ गए बात? आखो या तरह से अपन को जो पर्सपेक्टिव है वो अपनी अहंता ममता से या तरह से गवर्न हो रहे है। पर जैसे अपन या प्रॉब्लम को टेकल कर रहे हैं, ऐसे पर्शिया को एक निर्गुण भक्ति मार्गी सूफी भयो है जो मुझको अतिशय प्रिय है, और वाने या सारी प्रॉब्लम को अहंता ममता के ढंग से टेकल नहीं करके मैं और तू के ढंग से टेकल करी है। अब थोड़े वाके उद्गार आप सुनोगे तो नशा आवे ऐसे उद्गार हैं। मैं खास ये लिए लिख के लाया आज, बहुत मीठी बात कर रहे, एकदम निर्गुण भक्ति मार्गी है वो सूफी। वो कहे बुअद हस्ती बहिष्त इम कांचे दोजख, मनोतु दर्मिया मानिंदे बरजख। जयेंद्र भाई जो भी तत्व है, घटना नहीं है, जो भी तत्व है
वो तो स्वर्ग है, और घटना जो है वो कह रहे हो कि नर्क है क्योंकि घटना जो है वो घटित हो रही है और खत्म हो जाएगी, इमकान है, विल नॉट लास्ट। तत्व के बारे में अपनी समझ कैसी है? इट विल लास्ट। घटना के बारे में क्या है कि जो भी घटना शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो वहां के लिए वो शबस्तरी बहुत मीठी बात क्या है कि भुवद हस्ती बहिष्ट, हस्ती हस्ती माने अस्ति, सत्ता जो है वो बहिष्ट भुवद स्वर्ग है। ये बहिष्ट शब्द वशिष्ठ से निकले हो, वशिष्ठ बहिष्ट भुवद हस्ती भुवद हस्ती बहिष्ट इमकाचे दोजख, ये जो घटनाएं हैं सारी वो तो सब नर्क हैं। कितनी खूबसूरत बार कह, मनो तू दर्मिया मानिंदे बरजख, और तू और मैं जो हैं इन दोनों के बीच में बरजख की तरह हैं। बरजख मने दो रूप वालों, मने मैं अपने को देखूं तो मुझको लगे कि नहीं मैं तो हूं, बाकी सब घटना है, तू सब घटना है, पर जब तुम मुझको देखोगे तो तुमको लगेगा कि नहीं मैं तो हूं, तुम एक घटना हो। यही लिए शंकर मत ने अहम को ब्रह्मास्मि मान्यो और जगत को मिथ्या मान्यो कि मैं तो ब्रह्म हूं, मेरी बात मत करो, अहम ब्रह्मास्मि, तुम सब मिथ्या माया हो, बरजख हो, बही माने दोजख हो तुम लोग। बात समझ में आई ना कि मैं तो ब्रह्म हूं साक्षात बहिष्ठ हूं वशिष्ठ हूं, और तुम क्या हो? माया के मिथ्या भास हो रहे हो, मुख दोजख हो। बहुत गजब की बात कह रहे हो शबस्तरी। भुवद हस्ती बहिष्ठ इमकांचे दोजख, मनो तू दर्मिया, मन माने मैं और तू, ये दर्मिया मानिंदे बरजख, माने या तरफ से देखूं मैं तो तुम दोजख दिख रहे हो, वा तरफ से तुमको मैं भी दोजख तरीके दिख रहे हो, तुम अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझ रहे हो, मेरे को दोजख समझ रहे हो कि तुम माया हो, मैं तुमको समझ रही हूं कि माया हो, तुम मुखो माया समझ रहे हो, हर व्यक्ति अपने आप को पाछे ब्रह्म समझ रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि। माने सेंस कैसा है कि अहं तु ब्रह्मास्मि त्वं तु माया, वह तरीके को जब बात करे शबस्तरी मीठी बात करे, जो बरखेजत तोरा ई पर्दा अस्पेश, ये जो पर्दा जो है मैं और तू को जो ये पर्दा है ये कहीं उठ गयो, जा पर्दा के कारण मैं और तू दिख रहे हैं वो पर्दा उठ गयो, तो वाक्य बाद वो कहे न मानद नीज हुक्मे मजहबो केश, धर्म की कोई आज्ञा को मीनिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि धर्म तो सब घटना है, तत्व तो परमात्मा है, धर्म जो है वो तो घटना है। संकल्प करें अपन विष्णु 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 भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय पर, सब घटना ही तो उल्लेख कर रहे हैं ना, द्वितीय परार्थे श्रीषे त्वारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, ये सब घटना ही तो वर्णित कर रहे हैं, बुद्धावतार है, ये भी तो घटना है। वो कह रहे हैं कि धर्म तो जितने हैं वो सब एक घटना है, तत्व तो वही है ना जो बहिष्ट है, और ये जो धर्म है ये तो सब घटना है। न मानद नीज हुक्मे मजहबो केश, कारण क्या? तो कह रहे हो हमा हुक्मो शरीयत अज मनो तुस्त, मुसलमानन की जो शरीयत है उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितनों शरीयत के लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे मैं और तू पे डिपेंड कर रहे हैं, पर्दा उठाओ मैं तू को, सारे रूल कैंसल। हमा हुक्मो शरीयत अज मनो तुस्त कि आ भर बसते जानो तनो तुस्त, ये तो अपनी शरीर में अपने प्राण पे तन को एक बस्ता से लिपट गयो है, वाके कारण ये सब आ गए हैं, नियम अपने पे लागू हो गए हैं, यदि ये बस्ता अपन ने खोल दियो
तो भीतर तो पच वही के वही तत्व छुपे भयो है ना अपने भी, कि आ भर बसता है, जैसे ये टेबल पे ढक दियो ना तो अब ये टेबल नहीं दिखे, ये लाल कपड़ा दिख रहे है। ऐसे अपनी वो पारमात्मिक जो सत्यता है, तत्वता है, वह के ऊपर ये जो अपनी जो जान है, वह के ऊपर ये शरीर को जो तन है, वह को जो बस्ता लिपट गयो है, वह में ये मैं और तू भी पाछे जुड़ गए हैं। बाकी वहां ना मैं है न तू है। निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः परस्मै, जो भागवत कह रही है ना, शश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध धिषणाय नमः परस्मै। कितनी मीठी बात करे, मनो तू चू न मानत दर्मियाना। यदि मन और तू, मैं और तू तेरे को अनुभव नहीं होते है तेरे अनुभव में, चे मस्जिद चे कनिष चे देर खाना, फिर क्या मस्जिद है, क्या चर्च है, क्या मंदिर है, कुछ नहीं कुछ भी नहीं। नॉइड, ये सारे तू और मैं क्या पर डिपेंड कर रहे हैं। मस्जिद भी कहीं, मस्जिद को भी फाउंडेशन कहीं तू और मैं में है, और चर्च को फाउंडेशन भी कहीं तू और मैं में है, और मंदिर को फाउंडेशन भी कहीं तू और मैं में है। यदि तू मैं को पर्दा उठ गयो ना, तो चे मस्जिद चे कनिष चे देर खाना, कुछ भी नहीं बचेगो। बहुत मीठी बात करे, एकदम निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हो। कसे मर्दे तमामस कस तमामी, परिपूर्ण मनुष्य पुरुषोत्तम कौन है, मर्दे तमाम पुरुषोत्तम, कसे मर्दे तमामस कस तमामी, तमामता वाकी पुरुषोत्तमता पूर्णता काय में रही भैया, कुनत बा हाजरी कारे गुलामी, जा बखत वो गुलाम बन के कोई को रह सकते है तब। मनुष्य की पुरुषोत्तमता, मनुष्य की पूर्णता काय में रही भैया, कि जब तक कोई को गुलाम बनना आते हो तब। व्यर्थ में हम पुरुषोत्तम है, तमाम नहीं हो तुम, मर्दे तमाम नहीं हो, बेतमाम हो। शबस्तरी कितनी बड़ी बात कर रहे हो, कि मर्दे तमाम अस कस तमामी, कस तमामी बाकी पूर्णता तमाम होने की, मर्दे तमाम की तमामी जो है वो काय में रही भई है, कि कुनत बा हाजरी कारे गुलामी, वो अपने स्वभाव से जो भी आ जाए बाकी गुलामी करने तैयार हो। न मानत दरमियाना हेच तमी, तमी तमीज तमीज शब्द माफ मार मारूफो आरिफ जुमा यक चीज, वो कह रहे हो यदि ये तू और मैं तुमको अनुभव अपने अनुभव में नहीं आते हो तो मारूफ और आरिफ, मारूफ यानी उपासक और आरिफ यानी उपास्य प्रिय, तो मारूफ माने प्रेमी, आरिफ यानी प्रिय, उपास्य और उपासक वो एक ही चीज है, दो चीज थोड़ी है। पे तू मैं के कारण कोई के उपास्य बन रहे है, कोई के उपास्य बन रहे है, उपासक बन रहे है। बहुत मीठी बात क्या है, जिस हक नेस्त जुस अज हक नेस्त दीगर हस्ती अल हक हुबल हक गोयो गोयो गर खाही अनल हक। एक बात कह शबस्तरी के ध्यान से समझो, कि वा सत्य सु हक यानी सत्य, वा हक सु कोई भी हस्ती नाम या रूप या कर्म अलग हो ही नहीं सके। जो भी नाम रूप है, हंता हम नाम रूपेण व्याकरवाणी, जो भी कुछ नाम है, जो भी रूप है, जो भी कर्म है, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयत, जो भी नाम रूप या कर्म है वो वाकी हस्ती सु अलग नहीं हो सके है, अलग नहीं हो सके है वाकी हस्ती सु, वाकी ही हस्ती इन सारे नाम रूप कर्मन में प्रकट भई है, और वो नाम रूप कर्मन में प्रकट भई है। ये यदि तुमको रियलाइज हो जाए तो तुम मैं ब्रह्म को के तू ब्रह्म को दोनों सच है। कितनी मीठी बात कही, कि तब तुम यो सोच रहे हो कि मैं ब्रह्म हूं तो वो भी सच है, और तुम यो कह रहे हो कि तू ब्रह्म है वो भी सच है, दोनों सच है।
वाके पहले मनो तू दरमियाने बरजक है, ये ही तू और मैं डेंजरस है, और ये ही तू मैं पाछे हाईएस्ट रिवार्ड अपने लाइफ के अवेयरनेस के हैं। यदि तुमको वो इतनी बात समझ में आ जाए कि हक्सु कोई भी चीज अलग नहीं है, हक्सु अलग नहीं है, तो तू मैं भी अलग नहीं है, फिर तुमको तुम्हारो तू और मेरे, तुम्हारो तू और मेरो मैं अलग नहीं करेंगे, मेरो मैं तुमको तुम्हारे तू से अलग नहीं करेगा, फिर तुम चाहो तू ब्रह्म को तो भी बात सच्ची है, और तुम कहो कि मैं भी ब्रह्म हूं तो भी बात सच्ची है, नहीं तो या कुछ सोचे बिना यदि तुमने तू ब्रह्म कहो तो तुम ज़ॉम्बी हो तो तुम ज़ॉम्बी हो, क्योंकि तू काहे को ब्रह्म कहते, तू कैसे ब्रह्म हो गया यार, हम सब बैठे हुए हमारे रहते तू कैसे अकेले ब्रह्म हो गया, हम कहा है कोई बाहर झोंक रहे हैं यहां जगत में, हम भी तो ब्रह्म है, तू कैसे अकेले ब्रह्म हो गया, ये बात कह रहे हो। वही बात को भागवत समझा रहे, शबस्तरी बहुत मीठो शहर है, एक एक वा की बातें पढ़े तो अपने को आनंद आनंद हो जाए, पुष्टि मार्ग का सार समझ में आ जाए, ऐसा मीठो शहर सूफी भय। वही भागवत अपने को समझा रहे हो कि शश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद, निपीत भेद को ये उदाहरण है, भेद मोहाय बोधधिषणाय। महाप्रभु जी यहां बहुत अच्छी बात समझा मैं कि अपना जो बोध है ना वो अपनी बुद्धि से हो रहे है, वाको बोध बुद्धि रूप है, अपने को बुद्धि से बोध हो रहे है, वाको बोध बुद्धि रूप है, अपनी जो अंशात्मिका बोध अंशात्मक बोध है वो एक बुद्धि के क्षुद्र इंस्ट्रूमेंट से पैदा हो तो भयो बोध है, वाकी बुद्धि वाको बोध ही वाकी बुद्धि है। बहुत बम्बास्टिक बात लग रही है, नहीं देखो ध्यान से समझो, ब्रह्म के लेवल पे सोच रहे हैं करके बड़ी मिस्ट्री लग रही है, अपने को प्रकाश आंख से दिख रहे है, पेड़ को प्रकाश आंख से नहीं दिख रहे है, पत्ता से दिख रहे हो, जहां आंख है ही नहीं, जहां से प्रकाश आए वहां पेड़ मुड़े है कि नहीं, आंख से दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो करके वाको आंख नहीं है करके तुम ऐसे कह सको कि पेड़ को प्रकाश दिख नहीं रहे, अपने घर के अहाते में पेड़ रख के देख लो, जा तरफ प्रकाश आते होगा वा तरफ वो पेड़ मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा, तो दिख तो रहे है ना वाकू, आंख कहां है बताओ, आंख तो है नहीं। अपन जब सोचे कि देखने की प्रक्रिया है तो आंख सु ही होगी, क्योंकि अपने को आंख सु है, वाके लिए अपन सोचे कि जाकू दिख रहे हो वाकी आंख होंगी, अरे पत्ता को डिसेक्शन करके देखो आंख कहां है, वहां में आंख तो नहीं है, पत्ता को अपने स्वरूप से दिखे प्रकाश, अपने को आंख से दिखे, बात समझ रही ना, पत्ता की तो बात बहुत दूर गई, बहुत मौलिक बात है, खटमल को आंख नहीं हुए हो, खटमल को पीठ पे अपनी लाइट दिखे, बत्ती जोड़ते छुप जाए ऐसा कि अपने को खोजना भारी पड़ जाए, सीआईडी छोड़ दें तो नहीं पता चले, एफबीआई छोड़ दें तो पता नहीं चले कि छुप कहां गए हो, बत्ती जोड़ते ही क्यों पता नहीं चले, आंख तो है नहीं छुप कैसे गए हो, बिना आंख के वाकू दिखे कि नहीं, अपाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्यत्य चक्षु शृणोति अकर्ण, वाको बोध धिषण है, बोध ही वाकी बुद्धि है, अपने को बुद्धि सु बोध है, वाकू बोध की बुद्धि है, बोध ही बुद्धि रूपा है, फर्क यहां है, वाको स्वरूप ही वो अपने स्वरूप से वो देखे है, अपन आंख से देखे हैं, वो अपने स्वरूप से सुने हैं, अपन कान से सुने हैं, अब वो सुनने की प्रक्रिया में अपनो विजन इतना नैरो हो गया है कि जब कोई सुन रहे हो तो अपन वाके कान टटोल रहे हैं, वही लिए मैंने आपको लाउड स्पीकर को उदाहरण दियो कि लाउड स्पीकर में आप होठ देखने जाओगे तो नहीं मिलेगा, पर पप ब भ म निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो, दांत देखने जाओगे तो मिलेगा नहीं, पर त त द ध न निकल रहे हो कि नहीं, अकुह विसर्जनी आनाम कंठ अ कहां से निकल रहा है, कंठ तो है ही नहीं, एक डोबा ही है डब्बा को, सब निकल रहे हो साउंड, हर वक्त अपने को पैरामीटर मानो हर चीज को, वो मोह है, भेद मोह है, हर बात में अपने को पैरामीटर मानो वो भेद मोह है, वह तरीके को भेद मोह वहां नहीं है, निपीत भेद मोह है,
वाकली भागवत क्या है कि बोध दिशनाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय, विश्व के उद्भव स्थिति लय के निमित्त से जो निरंतर रास कर रहे है तस्मै इदम तस्मै नम इदम चक्रमेश्वराय, वाकु मेरे नमस्कार, यूं भागवत कह रही है। तो यह बात को समझो कि जो आखिर दशविध लीला है वो एक रास है, पर वो रास तत्सारभूत रास है हा? और वह सारभूत रास में स्त्री भाव पूरित विग्रहनो, मतलब मैं वह रास के लिए हूं। क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतंते स्वाम्यंतु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यु, वह लिए अपने को मानो, पर झोंबी नहीं हो जानो कि वही लिए अपन है। यदि वो यहां प्रकट हो जा रहे है तो फिर वो अपने लिए हो रहे, बात समझे? जब वो प्रकट नहीं हो रहे है तो अपन वाके लिए हैं, और वो प्रकट हो रहे है तो फिर वो अपने लिए है। अपने यहां यही लिए ठाकुर जी जा वक्त पुष्ट हो जाए, फिर दोनों रिलेशन अपने हो जाए कि परब्रह्म परमात्मा भगवान की दृष्टि से अपन वाके लिए, पर घर को ठाकुर अपने लिए है। वो गांव को दिखाने के लिए नहीं है, एग्जीबिशन करने के लिए नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, वो ठाकुर अपने लिए है, वो ठाकुर अपने लिए है। नंद नंदन कर घर को ठाकुर आप हो रहे चरत, वो ठाकुर अपने लिए है, वो गांव के लिए नहीं है। ये के लिए पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा में या बात को गुसाई जी ने एम्फेटिकली बताया है कि अपने यहाँ जो है वो परार्थ प्रतिष्ठा नहीं है, स्वार्थ प्रतिष्ठा है। अपनो ठाकुर जी दूसरे के लिए नहीं है, अपनो ठाकुर जी अपने लिए है, अपने लिए है और अपने ही लिए है। वह तरेसु जब अपन वाकु अपने लिए माने तो वो अपनो ठाकुर है, नहीं तो सृष्टि की ये लीला खत्म हो गई। सृष्टि के अंतर्गत जो रास लीला है वो खत्म हो गई और वो सृष्टि की लीला प्रकट हो गई, पाछी रसाभास हो गए। वाकु बैलेंस करते आना चाहिए। जो पहलो रास है एक बार ध्यान समझो, वो महात्म्य ज्ञान वहां में प्रकट होना चाहिए, और दूसरे रास में अपने को सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह अपने को ये बात बताना चाहिए कि ये मेरे लिए है। जब मुकु स्नेह भाव जगे प्रभु में मेरे ठाकुर में कि ये ठाकुर मेरे लिए है, तो स्नेह भाव प्रकट होएगा। और जब मैं या ठाकुर के लिए हूं तो स्नेह भाव के बजाय महात्म्य ज्ञान प्रकट हो रहा है वाको के, भाई मैं या ठाकुर के लिए हूं, ये वाको महात्म्य, क्योंकि क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतंते। तो रास दोनों तरीके के हैं कि जहां भक्त के लिए भगवान है और जहां भक्त भगवान के लिए है। जहां भक्त भगवान के लिए है वो सृष्टि लीलात्मक रास है, और जहां भगवान भक्त के लिए है वो सृष्टि में लीलात्मक रास है, सृष्टि लीलात्मक रास नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है, और इन दोनों भावन से महाप्रभु जी छलक रहे हैं। क्यों छलक रहे हैं? क्योंकि भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक, या भक्ति को जो आचार है, जो दो पंखन पे उड़ रहे हो महात्म्य ज्ञान के और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के, दो पंखन पे ये भक्ति को जो आचार उड़ रहे है, उन दोनों को महाप्रभु जी निरंतर बैलेंस में मेंटेन कर रहे हैं। झोंबी बनाना नहीं चाहे तुमको, स्नेह को या महात्म्य ज्ञान को। तुम स्नेह के झोंबी हो सको हो, तुम महात्म्य ज्ञान के झोंबी हो सको। झोंबी हो गए तो तुम महाप्रभु जी को नहीं समझे। महाप्रभु जी की पहली समझ या महात्म्य ज्ञान के झोंबी होने में या भक्ति के झोंबी होने से बचने में है, सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के झोंबी होने से बचने में। जा वक्त तुम जा, ये महात्म्य ज्ञान भी तुमको झोंबी बना देगो, ये स्नेह भी शायद तुमको झोंबी बना देगो, क्योंकि तुम्हारे विजन नैरो बनावे ना, पार्शियली तुम्हारा विजन नैरो बनावे है। तुम्हारे को पूरा डायमेंशन, जैसे आज की तारीख में अपने जो विजन है वाके लिए बताया जाए है कि अपनी आंख के कारण अपने को थ्री डायमेंशन दिखे। अपन एक चक्षु होते ना तो थ्री डायमेंशन दिख तो नहीं, दो आंख है ना करके थ्री डायमेंशन दिखे,
नहीं तो मोनो डायमेंशन में अपने को सारी बात दिखती। तो भगवान के जो ये थ्री डायमेंशन है कि वो ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, देव भी है, बाकी जो दो आंखें हैं वो कौन सी दो आंखें हैं? एक महात्म्य ज्ञान की आंख है और एक स्नेह सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह की आंख है। इन दोनों आंखों से वाकू देखोगे ना अपने ठाकुर को, तब तुमको वहां में ब्रह्म भी दिखेगो, परमात्मा भी दिखेगो, भगवान भी दिखेगो, सब कुछ दिखेगो, और उभय विध तुम्हारा जो भाव है वो पूरित होएगो और तुम्हारे घर में एक रास लीला शुरू हो सके है वा थ्री डायमेंशनल फिनोमिना की। और यदि वो तुमने दो आंख में एक आंख को ऑब्सेशन डेवलप कियो, मतलब तुम जॉम्बी 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 को तो 108 माला फेर के तुमको सामने गिन के बता दूं कि तुम जॉम्बी के अलावा कुछ नहीं हो। समझ में आई बात मेरी कि कुछ है पृष्ठव्य में? सो ये रहस्य है। तत्सारभूत रासस्त्री भावपूरित विग्रह रास रसिक लीलामृत, ऐसे रास में के रसिक है महाप्रभु जी, या ऐसे रास को जो रसिक है भगवान, वाकी जो लीला वाके लीला को जो अमृत है, वह अमृत सु महाप्रभु जी हर वक्त भीने हैं आर्द्र हैं, वो बात गुसाई जी ने स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरे नाति भरिता विहारान कुर्वाणो व्रजपति विहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भर्तु स्फुरतु सततम वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदय सुभग मूर्ति सकुरुणा। ये आखो ये पद गोविंद दास जी ने गुसाई जी के या श्लोक की पैराफ्रेजिंग में लिखो है। बात समझ में आई? वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन मिला के देख लो तो पता चल जाएगा। तो निज प्रमेय बलि करके वा लीला मृत में महाप्रभु जी निरंतर आर्द्र हैं, रस भरे भरेणाति भरिता स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेण अति भरिता, अति भरण मने छलकने के जैसे जो हो वो, वामे विहारान कुर्वाणो व्रजपति विहाराब्धिषु सदा, व्रजपति की जो विहाराब्धि है लीला को सागर है, वामे निरंतर महाप्रभु जी तैर रहे हैं कोई बड़ी वहल के तरह। पर यहाँ बड़ी वहल को भाव नहीं है, यहाँ जो भाव है वो कैसा भाव है वह बात को ध्यान समझो कि जब महाप्रभु जी कोई भी वैष्णव को ब्रह्म संबंध देते तो ये कह के देते कि मैं तुमको अपनो सर्वस्व पधराए रहे हूँ, इनको तू अपनो सर्वस्व मानियो। अपन यो समझें कि महाप्रभु जी ने ठाकुर जी में अपनी सर्वस्वता प्रकट करी, और वो तो एक महात्म्य ज्ञान वाली प्रकट करी, वह वैष्णव को भी तो अपना सर्वस्व मानियो कि नहीं मानियो? अपना सर्वस्व माने बिना कौन अपना सर्वस्व कौन को देगो? तो जाके भी माथे ठाकुर जी महाप्रभु जी ने पधराए, वह वैष्णव को भी महाप्रभु जी ने अपनो सर्वस्व मानियो, सर्वस्व को ही सर्वस्व सौंपे जा सके, जो सर्वस्व नहीं हो वह को अपनो सर्वस्व सौंपे कैसे जा सके? वह वैष्णव को महाप्रभु जी ने अपनो मानियो, ये मेरो है, और ये जो सेवा करेगा मेरे सर्वस्व की वो मैं कर रहे हूं। तो जितने वैष्णव के यहां महाप्रभु जी ने ठाकुर जी पधराए वो सारे ठाकुर जी के साथ, अपन जो यो कहें कि महाप्रभु जी की कहानी से अपन सेवा कर रहे हैं, वाको झोंबी पने में अर्थ अपन ये रहे कि अपने को सेवा करने को अधिकार ही नहीं है, सेवा तो महाप्रभु जी कर गए, वहां में दामोदर दास जी के वचनामृत और अपने को बम्बास्टिक मिल जाए कि बाप बेटा सेवा कर गए गोकुलनाथ जी के वहां में कि हम तो लकीर पीट रहे हैं। अरे भाई क्या लफड़ा है, बाप बेटा सेवा कर गए भाई, अपन जब उनके भाव सु उनके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो वही सेवा कर रहे हैं, वो मनोतु दर्मियाना दोजक अपन बना रहे हैं अपने सेवा को, जो सेवा की घटना है वहां में ये महाप्रभु और श्री गुसाई जी के तत्व को अपन नहीं समझ के, मन और तू पैदा करके महाप्रभु जी और गुसाई जी को तू समझ के हम जो है वो सेवा कहाँ कर रहे हैं, हम तो मुट्ठी अना मुट्ठी भर धान को भोग धर रहे हैं। अरे दो लपड़ मारे मुट्ठी भर धान को कैसे भोग धरे जाएगा,
ठाकुर जी कोई भिखारी है क्या कि मुट्ठी भर दान धरो के को? ऐसे नहीं बोलना, अन्नकूट धर रहे मुट्ठी भर जोंबी जोंबी पन, ये जोंबी पन है। अरे क्यों ऐसे नहीं सोचना कि जा वक्त महाप्रभु जी के भाव सु मेरे यहां ठाकुर विराज रहे है तो मैं सेवा कर रहे हूं, वो महाप्रभु जी ही सेवा कर रहे हैं। कौन की आज्ञा की जरूरत है? कौन दुष्ट आज्ञा दे सके हमें? कौन से दुष्ट की दूसरे की आज्ञा माननी जब महाप्रभु जी सेवा कर रहे हैं? तो कानी को यह अर्थ अपन ने नहीं लियो, कानी को यह अर्थ अपन ने नहीं लियो कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो महाप्रभु जी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, हम जो सेवा कर रहे हैं वो वृज भक्ति ही सेवा कर रहे हैं, हम उनको एक्सटेंडेड रूप हैं, या अर्थ में नहीं लेके हम कौन सेवा कर रहे हैं? हम तो सेवा कर ही नहीं रहे हैं, हम तो मुट्ठी अनाज भोग धर रहे हैं। अरे मुट्ठी अनाज का ठाकुर जी भिखारी है कि मुट्ठी अनाज खाएगा तुम्हारे यहां? वो एक छोला में 56 भोग मानने के लिए तैयार है। लीला रसाब्धि में विहरण करते आना चाहिए। अपन क्या है, दो एक्सट्रीम पे जीवे, या तो अपन अहंकार करेंगे कि मैं कर रही हूं सेवा तो पाचो मैं आ गयो, मैं की ना पाड़ दो तो हम क्या करें? सेवा तो महाप्रभु जी करें। अब महाप्रभु जी सेवा करें वामें, हम तो कर ही नहीं सके, तो हम तो हवेली में खाली दर्शन करी हमें, वामे सु झोंबी पनो विकसे हो कि हम तो करें ही क्या सेवा, हमारी तो कोई सेवा सेवा ही नहीं है। तो हवेली की सेवा कौन सी सेवा है? हवेली में कोई महाप्रभु जी कर रहे हो कि पगारदार नौकर कर रहे हो? तुम कम से कम नौकरी नौकरी के रूप में तो सेवा नहीं कर रहे हो, तुम कम से कम नौकरी के तरह तो सेवा नहीं कर रहे हो, भाव से सेवा कर रहे हो, वो तो टका भाव टका नौकरी की सेवा कर रहे हो। वाकु तुमने कैसे महाप्रभु जी की सेवा? महाप्रभु जी के नौकर रहते ठाकुर जी के नौकर नहीं होते। वाकु तुमने सेवा मान ली और अपने घर की सेवा को तुमने सेवा नहीं मानी, ये तुम्हारा जोंबीपन। एक जीवते जागते प्रेत पिशाच की तरह अपन पुष्टि मार्ग में जी रहे हैं, यह बात मत भूलियो। अपन मनुष्य के रूप में नहीं जी रहे हैं, दैवी जीव के रूप में नहीं जी रहे हैं। एक जागते जिंदे जागते भेद प्रेत पिशाच घूमने लग जाए ना जैसे, वह तरह से अपन घूम रहे हैं। या रहस्य को अच्छी तरह से समझो, अपने को यह बात समझनी चाहिए कि महाप्रभु जी व्रजभक्त जिनकी ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं उनको एक्सटेंडेड रूप अपन है, अपन वह रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। या में ना अपने अहंकार की जरूरत है, ना अपने या तरीके के खोटे दैनी की जरूरत है कि अपन तो सेवा ही नहीं कर रहे हैं, सेवा तो बालक ही कर रहे हैं, सेवा तो हवेली में ही हो रही है। ये दोनों एक्सट्रीम जो है ना, ये अपने को झोंबी बनाने के षड्यंत्र है। खोटी बात है दादवे? सो या रहस्य को समझो, निज प्रमेय बल करके बिन साधन कलयुग में उद्धरे अनेक जीव भूमि सो जस लीनो। ये आंखों सेटअप महाप्रभु जी ने कैसे प्रकट कियो, गोविंददास बहुत खूबसूरती से समझा रहे हैं कि निज प्रमेय बल करके। यदि अपन षोडश ग्रंथ की मेथड इंटरप्रिटेशन की याद करें तो निज बल के निजा नाम बल, निजा नाम इच्छा निजेच्छा और निजस्य इच्छा निजेच्छा, दोनों अर्थ बताए हैं। वो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहां है कि निज प्रमेय बल करके जो निज जन हते उनमें जो प्रमेय है बीज भाव रूप प्रमेय दैवी जीव होने को, वाकु एक्सप्लोइट करके महाप्रभु जी ने सेवा को एक पूरा रास को क्रम शुरू किया है। अपने घर में अपन ठाकुर जी की जो सेवा कर रहे हैं वो एक रास चल रहे हो अपने ठाकुर जी के साथ, ये भाव होना चाहिए। तत्सार भूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह, अपन ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी के साथ एक रास चल रहे हो है। वो जो है वो अपने साथ आ गए है और वो अपने साथ आ गए है। जब कृष्ण ने दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण को रूप धारण करके रास कियो, वाको उद्देश्य क्या हतो कि कोई गोपी कृष्ण सु डिप्राइव्ड नहीं हो जाए। ऐसे हर देवी जीव जो है वो अपने ठाकुर सु डिप्राइव्ड नहीं हो जाए करके महाप्रभु जी ने हर घर में एक कृष्ण पधरायो।
नहीं तो वो हवेली में ठाकुर जी के दर्शन करने आओ, जॉम्बी बन के तुम चक्कर मारते रहो, वहां तुमको तुम्हारो कृष्ण तो नहीं दिख रहे हो ना, कोई कृष्ण को तुम ये तो नहीं कह सको कि ये कृष्ण मेरे लिए है, अपने घर के ठाकुर के लिए तुम क्या कह सको ये कृष्ण मेरे लिए, ये कृष्ण मेरे लिए है, मैं या कृष्ण के लिए हूं, यहां अपनो मन और तू जो है, वाको तू जो है वो मेरे में समर्पित हो गया है, और मेरा जो अहम है वो वाके तू में समर्पित है। मैंने गंगात्वम सर्व दोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्यास्या तद्वदत्रापि चैव हि, वाको जो अहम है वो मेरे तू में समर्पित है, और मेरो अहम जो है वो वाके तू में समर्पित होने के कारण दोनों तू जो हैं वो घटनात्मक नहीं रह के तत्वात्मक हो गए हैं, गंगात्मक हो गए हैं, एक क्रीड़ात्मक तत्व तू हो गए हैं, वो मोहात्मक भेद मोहात्मक मैं और तू नहीं रहे हैं, शबस्तरी की भाषा में सोचें तो वो भेद मोहात्मक मैं और तू नहीं रह गए हैं, अभेद बोधात्मक निपीत भेद मोहाय एक ऐसो 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 मैं कि जामे तेरो तू मुकु तू भासतो होए, ऐसो तू जामे मुकु मेरो मैं भासतो होए, या तरीके को तादात्म्य भावापन्न एक अहंकार और एक त्वंकार प्रकट भयो है, जाकु वो कह रहे हो कि मर्दे तमाम की तमामी यामे हैं, कि वो गुलामी कर रहे हो, मर्दे तमाम की तमामी यामे हैं कि वो गुलामी कर रहे हो, कारे गुलामी, ये मर्दे तमाम की तमामी है, वो ठाकुर जी अपन बोले तो मैंने ऐसा लगे कि मुखरता दोष हो जाए, पर वो बेचारो अपनी गुलामी करते रहे ही है ना, न पा रही है हम निरवध्य संयोजाम, तो वो अपनी गुलामी कर रहे हो, अपन वाकी गुलामी कर रहे हैं। या रहस्य को अच्छी तरह से समझो, उद्धरे अनेक जीव भूमि सो जस लीनो, भूमि सो जस, भूमि से जस मिले कैसे, अपने को कभी समझ नहीं आ सके, जब तक वैदिक साहित्य और अपना भागवत साहित्य अपन नहीं देखें तब तक भूमि से जस कैसे मिल सके महाप्रभु जी को, अपने को कभी समझ नहीं आवे। वेद प्राचीन काल से ये कह रहे थे कि भूमि जो है वो विष्णु पत्नी है, विष्णु पत्नी वसुंधरे, ये विष्णु पत्नी है। नारायण उपनिषद में भी यहां तक कहो है कि भगवान ने वराह बन के जो विष्णु को पृथ्वी को जो उठायो वो अपनी प्रियतमा मान के उठायो, और आज भी कभी आप लोगों को टाइम मिले ना कभी तो बहुत अच्छे एक स्कल्प्टर विदिशा में कभी जाके देखियो, भोपाल के पास विदिशा है, और यासु भी डबल हाइट को वराह को एक पूरा स्वरूप है, बहुत खूबसूरत स्वरूप है, और वाकु पृथ्वी को अपनी मैंने प्रेमिका की तरह वराह ने उठा रखे हो गले लगा के, वो विष्णु पत्नी है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माता है, और माता क्यों है, क्योंकि विष्णु की पत्नी है, वाली है। आखो वो भाव आप देखोगे ना विदिशा में वह स्कल्प्टर को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी कैसे विष्णु की पत्नी है। ये कोई कैटरीना वेटरीना को कोई जो ऐश्वर्या को या ये सब कोई या तरह से नहीं उठा पाएंगे जैसे वराह ने पृथ्वी को उठाई है, इतने प्रेम भाव से उठाई है, अपने को लगे कि हाँ सचमुच में कितना दोनों का स्नेह है। उतनी प्रिय आज भी तिरुपति बालाजी में, जैसे तिरुपति बालाजी की एक पत्नी पद्मा है तो दूसरी पत्नी नीला है, नीला माने पृथ्वी, और कभी अपने को समझ में नहीं आया कि पृथ्वी नीला है वो पृथ्वी पे से दिखला ही नहीं दे, चांद्रमा पे जाओ तो पृथ्वी नीली दिखे, इन लोगों को कहां से दिखी कि पृथ्वी नीली है, ये सचमुच में मिरेकुलस बात है कि इनको पृथ्वी नीली है दिखी कहां से, ये चंद्रमा पे जब गए ना वहां से जाके अपन पृथ्वी को देखें
तो पृथ्वी नीली दिखे, और अपने आप पृथ्वी को नीला कहा गया है, वो नीला है पृथ्वी। लक्ष्मा लक्ष्मी जो है गोरी है, पृथ्वी श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने के जैसी सांवरी है, जैसी विष्णु सांवरो है ऐसे पृथ्वी भी सांवरी है, श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। वाह दंस, वो भी नीली है, वो नील कृष्ण है, ये नीला पृथ्वी है। तो विष्णु की पत्नी के तरह जो मान्य होती, वा पृथ्वी को न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खमनेन्द्रियम वा न तेषां समूह अनैकांतिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्ध्यस्तदेको वशिष्ठ शिवोम शिवो। मार दियो ना, सेपरेशन तो करवायो से करवायो, डिवोर्स और करवा दियो। सेपरेशन करवायो तो अलग तो विरह तो करते कम से कम, कि तू तड़पती कहां मैं तड़पता यहां, वो तो तड़प तो भी गई। न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, भूमि भी नहीं तेज भी नहीं वायु भी नहीं, न खन्नेन्द्रियम वा न तेषां समूह अनैकांतिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्ध। मैं को तो नींद आ रही है, वहां में ये सब सपना दिख रहे हैं। तदेको वशिष्ठ शिवो हम शिवो, क्या लफड़ा हो गया। या तरह से कोई मैं नारद विद्या करके डिवोर्स करवाओ तो वो यश देगी। महाप्रभु जी ने पहली बखत अपने को यह बात समझाई कि भगवान ए वही फलम स यथाविर भवेद भुवि। भगवान फल है, भगवान फल है, भगवान फल है, वैकुंठ में बैठे हुए फल नहीं है, भूमि पे प्रकट हो कहने वाला भगवान फल है। यार दोनों साथ रहो तो हम भी झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, तुम दोनों झगड़ोगे, माता पिता को झगड़ते देखते ही बच्चा पहले ही गिलिंडर हो जाए। अमेरिका को जो टॉप मोस्ट क्रिमिनल है तो कैरिल चेसमैन, बाकी बायोग्राफी में यही लिखे भयो कि माता पिता बहुत झगड़ते थे और उनको झगड़ते देख के वो क्रिमिनल हो गयो। कोई 27 तो मर्डर किए और कितने रैप किए और न जाने क्या क्या उपद्रव बने, कि माता पिता को झगड़ते जा वक्त बच्चा देखे ना तो वाको पता नहीं चले कि कौन के साथ बनो, माँ के साथ बनो कि बाप के साथ बनो। वाको बेचारे को अहंकार जो है वो स्प्लिट हो जाए, क्योंकि वो दोनों के साथ अपने अहंकार को जोड़ना चाहते हो और वो दोनों ही आपस में झगड़ते हैं, तो वो को लगे कि सालों फिर मेरे में ही कुछ लफड़ा है, कि जा या ये सच हो कि ये सच हो। वो फिर वो सोचे कि अभी हमें कोई सच नहीं, दोनों ही खोटे। ये वैष्णव ऐसी बदमाशी करे हो, कुआनु पानी मलतू नहीं, आज्ञा आपसो और वो एक अपरसी महाराज कह दे कि आज्ञा नहीं मले कुआ नहीं, अपने को आके पूछे कुआनु पानी नहीं मलतू आज्ञा आप, एक महाराज कह दे आज्ञा, वो एक आज्ञा दे दे एक आज्ञा नहीं दे, उनको लगे दोनों बालक झगड़ रहे हैं। मन में आवे सो करो, बापा बापी की आज्ञा मान के। मैंने बहुत मजेदार घटना बताऊं, मैंने पहले भी एक बखत बताई है कि एक एक परिवार में जहाँ ठाकुर जी निधि स्वरूप विराजते थे, उनके यहाँ गयो मैं, और गयो और उनने जाते ही मुको कहीं की सेवा में नहाओ, तो मैं सेवा में नहायो। सेवा में नहाने के बाद जब सेवा कर रहे हो तो तब उनने अचानक मुझे कुछ हमारी गलती हो तो बताओ। अरे इतनी अच्छी सेवा हो रही थी कि गलती खोजे कौन, वहाँ में कृष्ण दिख रहे हो, वहाँ में गलती कौन खोजे। उनकी नहीं गलती तो कुछ नहीं है, बोले नहीं फिर भी कुछ गलती हो तो बता दो। उनकी नहीं ऐसी कोई गलती दिख नहीं रही है सेवा में, बोले हमारे पिताजी हमको ऐसे आज्ञा कर गए कि जो बाबा आवे वो जा बखत जैसी सेवा करने की कि ऐसे कर दाना, वो चले जाए फिर जैसे अपन करते हैं ऐसे करना, कोई बाबा को अनादर नहीं करना, ऐसे क्रिमिनल हो। अच्छा भैया ना तुमने ये रहस्य बता दियो कि मैंने गलती नहीं खोजी, नहीं तो बाप मतलब यही है तो एक फिर वहां ने खुद नहीं बेचारा ने खुला से कियो कि एक बाबा आवे कि कहीं यहां रखो, दूसरा बाबा कहे कि यहां नहीं यहां रखो, या को यहां रखें तो ये बाबा नाराज हो जाए, वहां रखें तो ये बाबा नाराज हो जाए, तो जो बाबा आवे वहां बखत वहां रख रख देने को चले जाए, बाकी बस जैसे अपन रखने ऐसे रखने। क्रिमिनल हो जाए ना वैष्णव, दोनों विरुद्ध विरुद्ध आज्ञा करें जाए कहां गरीब। तो आपको नेट फिर यही एक सीधो उपाय समझ में आवे कि जो मन में आवे सो करो, वो जो मन में आवे करो, हम फिर बापा बापी कोई कह जाए तो वैसे करवे लग जाए, कोई प भ कह जाए, कोई पुपा कह जाए, कोई प सब कौभांडी कौभांड चलते रहे। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं वो क्यों नहीं देखो तुम,
महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं वो क्यों नहीं देखो, क्यों इन पुपान को और बापा बापिन को और पबन को देख रहे हो, महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं देखो तो सारे बात को खुलासा हो जाएगा। पर क्या कि आपस में जब बड़े इनको झगड़ते देखे ना तो आदमी बच्चा को क्रिमिनल होए बिना छुटकारा नहीं, क्योंकि वाकू बेचारे को दोनों से कमिटेड होना है, जाएगा कहां। बात समझ में आ रही है ना मेरी, वाके लिए सारा उपद्रव चले है अपने यहां। और दुर्भाग्य ये है कि माँ बाप झगड़े बिना चले नहीं है। तो ये पृथ्वी और विष्णु में या तरी से झगड़ा करवा नो कि न भूमि न तोयम न तेजो न वायु न खनेन्द्रियम वा न तेषाम समूह अनैकांतिकत्वा सुषुप्ते सिद्ध, मैं ब्रह्म हूं भूमि वूमि तो सब मुको सोते भय में दिखते भय सपना है। तो फिर दोनों झगड़ गए ना आपस में। अब वहां में जो भी बच्चा पैदा होएगो या तरह से भूमि और भूमा के दाम्पत्य कलह में, ब्रह्म को अपने यहां भूमा कहा गया है, पृथ्वी को अपने यहां भूमि कही गया। भूमा और भूमि को जब आप अपने झगड़ते देखेंगे तो जितने हमें भूमि में पैदा होने वाले हैं वो सब क्रिमिनल ही तो होंगे ना, क्रिमिनल नहीं होंगे जाएंगे कहां, क्योंकि कौन को पक्ष लेना, भूमि को पक्ष लेना कि भूमा को पक्ष लेना। नेट रिजल्ट यही समझ में आया, जो मन में आए सो करो। महाप्रभु जी ने पहली बखत उनको फिर से जो मुद्दत से वो बिछुड़ गए थे उनको फिर से मिलवाया कि नहीं नहीं ऐसे मत करो। रास दोनों तरीके के हैं, एक वो रास भी है और एक ये रास भी है, या भूमि पे पाछो रास हो सके है, ये या भूमि पे रास हो सके है पाछो, वो द्वापर कालीनी कोई व्यवस्था आती ऐसी नहीं है। हर घर में ठाकुर जी विराज सके है, हर घर में ठाकुर जी भूमि पे विराज सके है, हर घर में एक रास फिर शुरू हो सके है। मुको अमिताभ बच्चन देखो याद आ गयो, इन चिकने ताजे नए हरे पत्तों के साये में सुमने फिर प्यार नया हो सकता है, हर दंत समय का जो लगता मानव विषदंत नहीं होता, दुख मानव के मन के ऊपर सब दिन बलवंत नहीं होता, आहें उठती आंसू झरते सपने पीले पड़ते, लेकिन जीवन में पतझर आने से मायावाद आने से जीवन का अंत नहीं होता, इन चिकने ताजे नए हरे पत्तों के साये में सुमने फिर प्यार नया हो सकता है। महाप्रभु जी ने फिर वो प्यार नयो पैदा कियो, पहले उनको झगड़ते बंद करवाए कि तू भूमि है और ये भूमा है, आपस में झगड़ क्यों रहे हो, फिर से यहाँ प्रकट हो जाओ, ये निज प्रमेय बल करके फिर से वो एक आखों रास शुरू करवायो। वो आखों रास शुरू करवायो, वाकु गोविंद दास कह रहे हैं कि तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह आनंद नने रास रसिक लीला मृत रहत सदा भीनो, वो सदा भीनो रहे तर बतर रहे या रास लीला की भावना सु, वो कभी शुष्क नहीं हो जाए है, ये बात महाप्रभु जी ने अपने को समझाई। या लिए निज प्रमेय बल करके बिन साधन कलिजुग में, कोई साधन की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि जा घर को सारी साधना प्रणाली ने नरक में जाने को रास्ता बतायो, वह घर में मैं वो भूमि पे होने के कारण वह घर में मैंने फिर से रास चालू करवाना चाह रहे हूं करके भूमि सो जस लीनो। ठाकुर जी तो देंगे तब देंगे रस, भूमि को पहली जस देने की इच्छा हो रही है, भाई कोई तो आचार्य ऐसा है कि जो भूमि को फेवर ले, जो देखो से यही कह रहे हो है कि वो एप्पल खा लियो और भगवान नाराज हो गए, उन्हें कही जाओ भूमि पे पड़ो। अरे भाई तो भूमि क्या है, भूमि है क्या, यदि भूमि पे वो नहीं आ सकते हो, यदि भूमि वाकी नहीं होए तो फिर खुलासा करो कि शैतान की है, यदि भूमि शैतान की है तो फिर वाकू काय को भजनो, शैतान को ही भजनो, यदि भूमि वाकी है तो वो भी आ सके, क्यों नहीं आ सके, वाकू कोई नो एंट्री विदाउट परमिशन है, ब्रह्म को भूमि पे आने की मनाई करने वाला है कौन, शैतान के अलावा, शैतान के अलावा कोई ब्रह्म को भगवान को भूमि पे आने की मनाई नहीं कर सके, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, भगवान को कोई ना नो एडमिशन कह नहीं सके, भगवान को कौन नो एडमिशन कह सके, अपन समझे कि भगवान भूमि पे नहीं आ सके, ऐसा भाव क्यों स्फुर है, शैतान नहीं है तो दिमाग में,
यदि सब जगह भगवान ने, यदि भूमि पे आ सके है, यदि चर्च में आ सके है, यदि मस्जिद में आ सके है कि नहीं आ सके, नहीं आ सके है तो प्रार्थना और नमाज और ये सारी बातें व्यर्थ हैं, पूजा सब व्यर्थ हैं। यदि आ सके है काय को नहीं आ सके, यदि आ सकते हो तो रासलीला फिर वही कहीं चिकने ताजे नए हरे पत्तों के साये में सुमने, फिर प्यार नया हो सकता है। भूल गए थे सहस्र परिवत्सर सु प्यार करना, भूल गए थे, सेपरेशन हो गए तो भूमि को और द्यूलोक को, सेपरेशन हो गए तो डाइवोर्स होने की तैयारी होती, पर एक महाप्रभु जी ने वो कोर्ट में रिकनसाइलेशन को भी तो प्रोसीजर है कि नहीं, तो वो कोर्ट में डाइवोर्स को रिकनसाइल करवा के पाछो दोनों को साथ रहते कर दियो। अपन वाह वाह तरीके की औलाद हैं, जहां माँ बाप झगड़ रहे हैं उनके डिवोर्सी माँ बाप की औलाद नहीं है, साथ में रहने वाले माँ बाप की औलाद है भूमा और भूमि की। या बात सु भूमि सो जस लीनो, वो गोविंददास कह रहे हैं, मारग पुष्टि श्रुति स्मराण पुराण अति अगोचर मायावाद खंडन करी सो तो प्रकट की न। मायावाद को खंडन क्यों कियो महाप्रभु जी ने, या लिए नहीं कियो कि शंकराचार्य से कोई द्वेष है, क्योंकि एक बात ध्यान से समझो कि शंकराचार्य को तो महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा सुनने मायावाद फैलायो है, तो यदि भगवान से द्वेष नहीं हो तो शंकराचार्य से कैसे द्वेष हो सके। जानकी आज्ञा सु शंकराचार्य ने मायावाद फैलायो, वह मायावाद सु कैसे द्वेष हो सके। द्वेष न मायावाद सु है न शंकराचार्य सु है, द्वेष इन वादन के कारण झोंबी बनने वाले मूर्खन सु है कि मूर्खता सु है कि यार तुम क्यों झोंबी बन रहे हो, या मैं कोई ने तुमको खोटी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये दोनों झगड़ रहे हैं, ये दोनों झगड़ नहीं रहे हैं, बड़े प्यार सु रह रहे हैं, उनके प्यार को तो एक वक्त अनुभव करो कि कितने प्यार से रह रहे हैं, वह प्यार को अनुभव करोगे कि भूमा और भूमि कैसे एक दूसरे से आलिंगित हैं, परस्परा लिंगित हैं, वो स्नेह को देखोगे तो तुम में भी स्नेह प्रकट हो जाएगा। उनको झगड़ रहे हैं ये सोचोगे ना, ज्ञान के एप्पल खा खा के ज्ञान के एप्पल खा खा के वो झगड़ रहे हैं, उनमें डिवोर्स हो गया है, वाकू पनिश करना हो तो यहां भेजो जाए। अब जैसे बाप अपने बेटा को लपड़ मार के क्यों तूफान किया, जाओ माँ के पास रहो, तो बाप को बच्चा को क्या समझ में आएगी कि जब भी कुछ तूफान कर रहे हैं, जब भी कुछ पनिशमेंट हुआ है तो बाप क्या कह के मेरे पास मत रहो माँ के पास जाओ, मतलब माँ कोई जात को लफड़ा है, कन्वे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो, बेचारे बच्चा हमें शिकार हो जाएगा, पर एक्सपेरिमेंट करो तो बच्चा के दिल में माँ के प्रति गिल्टी फीलिंग पैदा हो जाएगी, डेफिनेटली गिल्टी फीलिंग पैदा हो जाएगी। ऐसे ही माँ बाप के लिए करे कि जब भी तूफान करते हो जाओ बाप के पास, तो बच्चा को लगेगा कि तूफान करने को एंटीडोज बाप है। एक सच्ची बात बताऊं, मेरे लक्ष्मी के झगड़ा या बात पे बहुत होते थे। कुछ भी बच्चे हैं तूफान करें, मैं कुछ पीटू तो पक्ष ले ले, और वाकई लिए तूफान करे तो मुझको फरियाद करे कि आप देखो क्यों नहीं कैसे तूफान कर रहे, तो मेरे को ही लड़नो हर वक्त। मैंने ये तुम नाराज विद्या अच्छी कर रही हो कि बच्चा है मेरे ही दुश्मन हो जाएंगे सब, मैं ऐसा मत करो, टीम वर्क करो। बच्चा तूफान करे या मैं कोई संदेह नहीं, अब बच्चा बेचारा क्या करे। बच्चा तूफान तो करे पर हर वक्त लड़ मेरे से पटकाओ प्यार तुम करो, तो बच्चा के माइंड में तो रॉन्ग इंप्रेशन आवे कि नहीं आवे कि ये जो बदमाश में बदमाश कोई फैमिली में मेंबर है तो बाप है। मार पड़वाने के लिए बाप और प्यार करने के लिए माँ, ऐसी रॉन्ग इंप्रेशन क्यों पैदा करनी। भाई आधो प्यार तुम करो, आधो तुम मारो, आधो प्यार मैं करूं, आधो मैं मारूं, तो टीम वर्क हो जाएगा। अथवा ऐसे भी हो सके कि मेरो गुनाह हो तो तुम पीटो, तुम्हारो गुनाह हो तो मैं पीटू। ऐसे टीम वर्क करें तो बच्चा को दोनों की बात समझ में आए, पर एक तरफा पिटाई होवे एक तरफा प्यार होवे तो बच्चा तो फिर बदमाश हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं माँ बाप के अर्थ में नहीं कह रहे हूं, पृथ्वी भूमि और भूमा के अर्थ में कह रहे हूं कि जब भी भूमि में पाप कियो तो चलो आंख फोड़ो कान फोड़ो, सब पृथ्वी के जो भी अपने को फैसिलिटी पृथ्वी ने प्रोवाइड करी वो सब खत्म करो और मुक्त हो जाओ, कैवली हो जाओ। अरे क्या लफड़ा है भाई, क्यों कैवली हो जाए, क्यों कैवली हो जाए, क्यों नहीं पृथ्वी में साथ रहे हम,
इतनो क्यों द्वेष पृथ्वी सु? केवली होना भगवान को होनो है, अच्छी बात है, क्यों केवली हो जाएं? हम क्यों ऐसे नहीं रह सके कि हम मां बाप के साथ रहें? अपने जाने मुकु पैदा किए, जाके पेट में सुमें पैदा भयो हूं, और जाके स्पर्म में सुमें पैदा भयो हूं, जाके ओवम में सुमें पैदा भयो हूं, उनके कॉम्बिनेशन से मेरा आंखों कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी पुरुष जो है वो न तो अकेले बाप को हुए न अकेले माँ को हुए, स्पर्म और ओवम को कॉम्बिनेशन है। तो दोनों को जब कॉम्बिनेशन में हूं तो उन दोनों को जब मैं ऐसा प्रेम करते देखूंगा तब तो मेरे में भी प्रेम प्रकट होएगा ना, तब तो मेरे में गिल्टी फीलिंग नहीं आएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे में गिल्टी फीलिंग आएगी। या रहस्य को अपने को समझना चाहिए, और वो भूमि सुजस लियो है महाप्रभु जी ने। ये जो मार्ग है पुष्टि श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र अति अगोचर, थोड़ी सी झोंबी लोगन ने या में बहुत बदमाशी करी है, वह रहस्य को समझो। अपनो पुष्टि मार्ग लोक वेदातीत है, शास्त्र सु अगोचर है, श्रुति सु अगोचर है, देखो स्मृति सु अगोचर है, पुराण सु अगोचर है, अति अगोचर है। कौन से अर्थ में? महाप्रभु जी क्या ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते त्रितये त्रितयम वाच्यम क्रमेणैव मयात्र ही, ब्रह्म को श्रुति गोचर नहीं मान रहे? आपको अनुभाष्य में टफ फाइट महाप्रभु जी ने दी है कि ब्रह्म जो है वो श्रुति गोचर है। गीता में परमात्मा को प्रतिपादन है, भागवत में भगवान को प्रतिपादन है, तो श्रुति स्मृति पुराण जो तीन फैसेट हैं भगवान के, वो तो तीनों शास्त्र गोचर ही है। और यदि अपने घर में विराज तो ठाकुर ब्रह्म भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, तो भजन ही नहीं है, फिर तो पत्थर की मूर्ति है। इफ एट ऑल वो साकार व्यापकत्वाच मंत्रस्यापि विधानतः, साकार व्यापक होने के कारण, मंत्र सु विधान होने के कारण, तद्रूपम तत्र च स्थितम वा परमात्मिक न्याय सु, वो सर्वत्र विद्यमान है, तब तो वो भजनी है। तो जो सेव्य प्रभु है वो अगोचर नहीं है शास्त्र को, वह सेव्य प्रभु के प्रति जो अपनो पुष्टि भक्ति को भाव है। एक सु जितने ग्रंथ हैं महाप्रभु जी के सब उठा के देख लो, पुष्टि की परिभाषा में महाप्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्य वर्णैक लभ्य है परमात्मा। तो ये वर्ण जो है वो तो श्रुति गोचर ही है, अगोचर कहां है? भक्ति के मूल में रहो भयो भगवान को अपने को सिलेक्ट कर लो, वर्ण माने सिलेक्शन, भगवान ने अपने को सिलेक्ट किया है अपने भजने के लिए। भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत, भगवत सेवा के लिए अपनी सृष्टि है। तो ये वर्ण जो है वो तो श्रुति गोचर भी है, और दैवी संपद विमोक्षा या निबंधा या सुरी मता वो भी पाछो स्मृति गोचर है, और भागवत पुराण सु ही तो अपन भक्ति ला रहे हैं, कौंडिन्य गोपिका प्रोक्ता गुरुव साधन चतर, तो अगोचर कैसे भयो? अगोचर कैसे भयो? झोंबी लोग खोटी बदमाशी करें, यहां वह अर्थ में अगोचर नहीं है। बात ध्यान से समझो कि शास्त्र में या कृपा के या कृपालु परमात्मा के या भजन के जो अपने प्रकार हैं सेवा के, देखो ध्यान से समझो, अपन समर्पण की बात कर रहे हैं तो गीता में समर्पण नहीं कहे हो क्या? यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत यत करुष्ते तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्, समर्पण तो वहां भी कहे हो, तो अपनो समर्पण भी अति अगोचर नहीं है, समर्पण अगोचर नहीं है, भक्ति अगोचर नहीं है। भक्त्या तुतोष भगवान गजय उत्थपाय, भक्त्या हम एक आग्राह्य, भगवान गीता में कह रहे हैं, तो भक्ति भी शास्त्र अगोचर नहीं है। तो क्या अगोचर क्या है? अपन समझे कि सेवा की विधि, तो एक बात समझो कि अपने यहां हिंडोला, फिर अपनो अन्नकूट, फिर अपनी दिवाली,
फिर अपना ये स्नान यात्रा, रथ यात्रा, ये सब पंचरात्र पुराण में वर्णित है कथा। पवित्रा वो भी पंचरात्र में वर्णित कथा है, वो भी अगोचर नहीं है। अगोचर है क्या? कौन सी वस्तु अगोचर है? अगोचर है, अगोचर है करके मनमानी चलाने के लिए अपन अगोचर बतावे। अगोचर कुछ भी नहीं है, सब कुछ गोचर है। सब कुछ यदि गोचर नहीं होता तो महाप्रभु जी ऐसे क्यों कहते हैं कि अर्थोयमेव निखिलैरपि वेदवाक्य रामायणे सहित भारत पंचरात्र अन्यैश्च शास्त्र वचन सह तत्व सूत्र निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव। अगोचर होता तो ये बात कैसे महाप्रभु जी कहते? अगोचर नहीं है। अगोचर को अर्थ क्या है वो अपने को समझना चाहिए। गो शांति सु, अगोचर को अर्थ जो है वो सीधो से एक बात समझो कि साधन मार्ग तया अगोचर है, न तो प्रमेय साधन तया अगोचर है। वाके प्रमेय को ये जो साधन अवेलेबल होते ये अपन अपनावे कि नहीं अपनावे वाके कोई खुलासा होते नहीं, क्योंकि जहां जहां भी ये सारी बातें आई हैं वहां ऐसे ऐसे सब क्वालिफिकेशन बताए गए हैं कि अपने को क्वालिफिकेशन सुनते ही ऐसे समझ में आया कि बंद कर दास्तां शकील अपनी, सुनने वालों के दिल दहलते हैं। ये अपन कहां कर सकेंगे? महाप्रभु जी ने क्या कियो, वो सारो जो शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण गोचर है तो वह कोई गुलदस्ता बनायो है, और वो गुलदस्ता बना के तुम्हारे हाथ में देने को शास्त्र ने नहीं कहो है, महाप्रभु जी ने अपने को दियो है। फूल सारे वही बाग के चुने भए हैं, गुलदस्ता महाप्रभु जी ने बनाया है। फूल जो है वो श्रुति स्मृति पुराण के गार्डन से चुने भए हैं, उनको जो गुलदस्ता जो बनाया है हम वो वहां कहीं नहीं बने, तो क्योंकि गार्डन गुलदस्ता नहीं बनावे, गुलदस्ता तो माली बनावे जो फूल चुनते हुए है। ख्याल में है ना? देखो मेरा दिमाग भी थोड़ा ऐसे ही भटकू दिमाग है, एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया। ओके, बागवां कलियां हो हल्के रंग की, बागवां बगीचा को संभालने वालों, बागवां कलियां हो हल्के रंग की, भेजनी है एक कमसिन के लिए। बहुत कोई नाजुक व्यक्ति के लिए मुझको ये फूल चाहिए है। सब बहुत गहरे रंग के डार्क रंग की फूल मत दे, हल्के रंग के जय के जो आपको शोभ है। तो वो जो आपको शोभ है ऐसा जो गुलदस्ता बनायो है हल्के हल्के रंग को, ये नहीं कैसो ऐसा सब नहीं बनायो कि सिर के बल खड़े हो गए पैर ऊपर हो गए, ये सब बहुत गहरे रंग के फूल हैं हो कि खा नहीं रहे हैं, संथारा कर रहे हैं और हिमालय जा रहे हैं लंगोटी पैर के, ये सब बहुत गहरे रंग के फूल हैं। वो अपने कमसिन कृष्ण को सूट नहीं करेंगे, कमसिन कृष्ण को जैसे सूट करें बागवां कलियां हो हल्के रंग की, भेजनी है एक कमसिन के लिए। कमसिन मने छोटी उम्र वाली के लिए, बहुत ऐसी प्रौढ़ा के लिए नहीं भेजना है जो गहरे रंग को सहन कर सके, भेजनी है एक कमसिन के लिए। तो महाप्रभु जी ने जो गुलदस्ता बनायो है वो एक कमसिन के लिए गुलदस्ता बनायो है कि जाकु कृष्ण अपनो झील सके अपन वाकु पहरा में। तो वह सारी केयर महाप्रभु जी ने अपने यहां ली है कि नहीं ली है, वो अपने यहां की ठाकुर जी को माला धरा में वहां में वो कह ली है, अपने ठाकुर जी को श्रृंगार धरा में वहां में वो कह ली है, ठाकुर जी को भोग धरे वहां में वो कह ली है, वस्त्र धरे वहां में वो कह ली है, क्योंकि भेजनी है एक कमसिन के लिए। लालयति दोलिका मंच शयनम, तो वो लालयति दोलिका मंच शयनम, वो लालन की जो कमसिनता है बाकी वाके लिए एक बड़ा नाजुक गुलदस्ता बनायो है, वो अगोचर है। बाकी फूल कोई अगोचर नहीं है, या गुलदस्ता में को एक भी फूल ऐसा नहीं है। षोडश ग्रंथ उठा के पढ़ के देख लो, हर एक महाप्रभु जी के श्लोक के लिए जितने टीकाकार हैं निरंतर उनने महाभारत छेड़ रखी है कि ये श्लोक
के लिए ये शास्त्र वचन प्रमाण है, या श्लोक के लिए ये शास्त्र वचन प्रमाण है, कहीं श्रुति प्रमाण है, कहीं गीता प्रमाण है, कहीं भागवत पुराण है। अब महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रमाणंत चतुष्टयम, कभी विष्णु पुराण से वचन लावे, कभी कोई पुराण से लावे, कभी कभी तो लिंग पुराण और शिव पुराण के वचन भी अपने षोडश ग्रंथ की टीका में उद्धृत किए गए हैं, जस्ट टू जस्टिफाई कि महाप्रभु जी को एक भी स्टेटमेंट षोडश ग्रंथ को ऐसा नहीं है कि जाकू कोई शास्त्र वचन को सपोर्ट नहीं हो। मतलब क्या, फूल सब बगीचा के हैं, शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण तंत्र के फूल हैं, उनको गुलदस्ता महाप्रभु जी ने बनाया है, वो अगोचर है, वो महाप्रभु जी ने अपनी नाजुकपनों और ठाकुर जी के नाजुकपने को देख के बनाया कि जो अपन झूल सकें जा गुलदस्ता को। कभी कभी क्या हो, ये लीडर हैं जा वक्त इलेक्शन जीते हैं ना तो इतनी बड़ी माला पहरा दें कि माला पहनने के कारण ही वो दब जाते हैं। लीडर देखे होगे फोटो, इलेक्शन जीते ना ऐसी ऐसी लंबी बड़ी मालाएं पहरा दें वो माला में ही दब जाए। ऐसी नहीं अपने यहाँ माला पहराई जाए, ठाकुर जी को बड़ी नाजुक माला पहराई जाए, क्योंकि कमसिन है अपने ठाकुर जी और अपन भी कमसिन है। अपन कहाँ कमसिन नहीं, अपन भी बहुत कमसिन है। तो बागवां कलियां हो हल्के रंग की, वो जो चुनाव है हल्के रंग की कलीन को, समझ में आया ना, बहुत डार्क रंग की नहीं जासू, वो बड़ी बड़ी बुढ़िया बूढ़ीन को सब अच्छे डार्क ठीक लगे। कमसिन को भेजना है तो थोड़े हल्के रंग के फूल होने चाहिए। वो जो कवि कह रहे हो ना, वाह तरीके को बड़ो कमसिन हल्के रंग को एक गुलदस्ता बनायो है, सोबर जाको अपन सोबर कहें, तो एक सोबर गुलदस्ता बनायो है। वो मार्ग पुष्टि श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र अति अगोचर मायावाद खंडन करी सो तो प्रकट कीनो, हरि सेवा विधि विवेक दैवी जीवन को सिखाई। ये हरि सेवा को विधि विवेक, ये जो विधि है ये विवेक कहाँ प्रकट कियो है, षोडश ग्रंथ में, सर्व निर्णय में, शिक्षा श्लोकी में, ये सारो विवेक महाप्रभु जी ने प्रकट कियो है इन नाजुक फूलन को गुलदस्ता बनाने को। वो विधि विवेक महाप्रभु जी ने घर में वैष्णवन को जाजा के सिखायो है, टू द एक्सटेंट आज झोंबी लोग क्या कहे हैं, देखो झोंबी क्या कहे हैं, झोंबी वचनामृत अलग वचनामृत है और वल्लभ वचनामृत अलग वचनामृत है। झोंबी के वचनामृत ऐसे हैं कैसे, हम घर में गांव में आवे तो तुम ठाकुर जी की सेवा छोड़ के पहले हमको अटेंड करो, ठाकुर जी की भी प्रसन्नता या में। उदाहरण क्या कि नारायण दास जो है वो अपने गोकुल चंद्रमा जी को छोड़ के महाप्रभु जी को अटेंड करने गए, ये झोंबीपन। महाप्रभु जी की वचन वार्ता पढ़ो, तुमको झोंबी नहीं बनना हो तो, कि उनने कच्ची रोटी भोग धरी, महाप्रभु जी को कोई ने फरियाद करी, महाप्रभु जी की कथा नहीं करूंगो जब तक तू नहीं आएगो तब तक, और कल सु ऐसे मत आइयो, मेरी कथा सुनने के लिए ठाकुर जी को कच्ची भोग धर के क्यों आयो, झोंबी पनो का है मैं कि अनप्रसादी खानो नहीं, प्रसादी खाने के लिए ठाकुर जी को भोग धरने को टाइम नहीं, क्यों टाइम नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी की कथा सुननी है। महाप्रभु जी ऐसो झोंबी नहीं है, लीला मृत सागर में विहार करने वाले स्फुरत कृष्ण प्रेमा मृत रस भरे नाती भरिता है विहारान कुर्वाणो व्रजपति विहार आप दिशु सदा है। वो ठाकुर जी को कष्ट दे के अपनी कथा नहीं करना चाहे, ठाकुर जी के सुख को पूरा पूरा विचार करके हर ठाकुर जी जो जा वैष्णव के माथे पधराए हैं वह ठाकुर जी को महाप्रभु जी अपना सर्वस्व मान रहे हैं, उनको मन में ये फितूर नहीं है महाप्रभु जी को आज के हम गुसाइयन के जैसे कि हमारे ठाकुर जी जो हैं वो ऐसे 400 वोट के हैं और तुम्हारे ठाकुर जी 0 वोट के हैं, या के लिए हम जब आवे तो तुम अपने ठाकुर जी की सेवा छोड़ के आओ, या तरीके की झोंबी की भ्रांत धारणा कम से कम वल्लभ को नहीं है, श्री वल्लभ को नहीं है। वो ऐसे हरिलीला मृत में निरंतर विहार करने वालों श्री वल्लभ है, या के लिए वो ऐसी आज्ञा नहीं करें, ये झोंबी लोग ऐसे वचनामृत करते हुए, तो या रहस्य को समझो कि ऐसो ठाकुर जी को छोड़ के यदि आने को होता ना तो महाप्रभु जी ऐसे क्यों कहते कि गुरु नहीं मिले तो अपने आप सेवा करो। तदभावे स्वयं वापी मूर्तिं कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात् तद्रूपं तत्र च स्थितम्। क्यों महाप्रभु जी कहते कि गुरु नहीं मिले तो परवाह नहीं है, गुरु साधन है, पर एक बात ध्यान से समझो कि साधन की साधनता तभी है कि जब फल तक पहुंचाती हो, यदि साधन फल पे पहुंचाने के बजाय खुद पे अटका तो हो तो वह साधन को पहले छोड़ो।
संसार बाद में छोड़ो हो, क्योंकि महाप्रभु जी की स्पष्ट आज्ञा है कि यह संसार तुमको भगवान तक ले जा सके यदि तुम्हारी अहंता ममता भगवान से जुड़ गई तो। पर जाकु तुम साधन समझ रहे हो वो तुमको प्रभु तक नहीं पहुंचा रहे हो, प्रभु के बीच में व्यवधान कर रहे हो, तो वाकु तुम पहले छोड़ो साधन को। तद माने विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधाद अपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेश एवा पर पीड़ादि संभव है सेवा त्यक्तव्य। कहने वालों कौन है? छोड़ दो सेवा। जो सेवा तुमको ठाकुर जी तक नहीं पहुंचा सकती हो, जो भक्ति तुमको ठाकुर जी तक नहीं पहुंचा सकती हो, जो शरणागति तुमको ठाकुर जी तक नहीं पहुंचा सकती हो, वह सेवा शरणागति समर्पण सब कुछ छोड़ो। आवश्यकता कृष्ण की है, घटना की नहीं है, तत्व की है। ये घटनान में अपनो मन कब घटित हो गयो? शबस्तरी की भाषा में, जब तुमने मनोतु को बर्जक पैदा किया है। बर्जक पर्शियन भाषा में बड़ा एक अच्छा शब्द है, यहां दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वापरे, पर बर्जक को मूल मतलब आधो बंदर और आधो इंसान वानर लीला समझ में आई ना बात? वानर लीला का नाम बर्जक है। तो ये वानर लीला से बचो, वानर लीला की जरूरत नहीं है। हरि सेवा विधि विवेक, ये विधि ये विवेक दैवी जीवन को सिखाई, दिखाई नहीं कहो। हरि सेवा विधि विवेक दैवी जीवन को दिखाई क्यों नहीं कहो, सिखाई क्यों कहो? महाप्रभु जी को क्या समझ नहीं आती? 64 कला प्रवीण थे, तुमको जॉम्बी बनाना हो तो दिखा देते हैंड ट्रिक्स। अकबर ने बहुत अच्छो अपने अकबर ने अपने जमाने की बहुत सारे पेंटिंग बनाई है। हमें एक बड़ी मजेदार पेंटिंग बनाई है कि अकबर को कोई लोगों ने चढ़ाया कि यहां भगवान साक्षात्कार सानुभाव जता में। अकबर को बेचारे को जिज्ञासा हो गया, अनपढ़ तो होता ही ना, यानी कि चलो दर्शन करने चलो। तो वह भगवान के पीछे मुखिया जी ने खड़े होके दो हाथ यूं दिखा दिए और अकबर आया तो यूं हाथ कर दिया, उन्होंने कि देखो सानुभाव जता रहे। तो अकबर ने की पेंटिंग बनवाई है कि पीछे मुखिया छुपियो भयो है आशीर्वाद दिए चिले इलाही बादशाह काजी शहंशाह अकबर ने वो पेंटिंग बनवाई है, मिले है वो पेंटिंग। मुखिया जी पीछे भीतर छुप के पीछे से यूं हाथ आते, अकबर आया तो यूं हाथ कर दिया, उन्होंने कि देखो सानुभाव हो गयो कि नहीं, पेंटिंग वाले बनाई है ऐसे महाप्रभु जी नहीं आते। बात ध्यान समझो, ऐसे खोटो दिखावा नहीं करना चाहते थे महाप्रभु जी में, वो दमखम हतो के सब कुछ सिखाते थे, दिखाते नहीं थे। आज दिखाने का चक्कर शुरू हो गया ना, करके झोंबी पैदा हो रहे हैं। सिखाने को चक्कर होतो ना, सब लोग यही कहें कि हम हवेली में नहीं जाएं तो सीखेंगे कहां से। अरे सीखने के लिए तो लेबोरेटरी में नहीं जाओगे तो तुम ऐसा साइंस के प्रैक्टिकल सीखोगे कहां से? खाली तुमको दिखा दिखा दें लेबोरेटरी के, ये लेबोरेटरी में ये ग्लास है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, देख आओ बस, हमें क्या सीखोगे? करो ना एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करो तब प्रैक्टिकल होएगा, देखने से कोई प्रैक्टिकल नहीं होएगा। मैं तो इतने साल से ऐसा ओलंपिक देखूं तो अभी कभी नहीं, कभी कुछ तैरना भी नहीं आया है वह तरीके को, डाई लगानी आवे ही नहीं, जब भी डाई लगाऊं तो छाती के बल गिरूं और यहां चोट और लग जाए। कितने डाई लगाते तो देखे, कभी तो डाई लगाना आया नहीं, देखने से कैसे आएगा? देखने से यदि कुछ आ जाते हो तो सभी ऐसे सचिन तेंदुलकर हो जाते ना, जितने लोग क्रिकेट देख रहे हैं टीवी पे। अरे एक दिन बल्ला उठाओ, हाथ में बॉल उठाओ, फेंकम फेंक शुरू करो, थोड़ी बहुत तो आ जाएगी। अपन क्या सोच रहे, देखने से आ जाएगी? देखने से कोई आवे कभी दुनिया में? देखने से नर्वसनेस आवे। देखने से नर्वसनेस आवे, मेक इट श्योर। जितनो यंगस्टर आज पोर्नोग्राफी देख रहे हो वह नर्वस हो जाए, जा दिन शादी वा दिन वो कुछ कर ही नहीं पावे, क्योंकि इतना देख लिया है पोर्नोग्राफी के वह दिन वाकी अक्कल ही नहीं चले के ब्याह में से क्या करना, देखो मत करो। अपन उल्टा चक्कर देखने को चला में पोर्नोग्राफी को, वाके लिए इंपोर्टेंसी आवे साइकोलॉजिकल, क्योंकि उतना आदमी कर नहीं सके, वो तो प्रोफेशनल हो सब।
आदमी तो जो करेगा वही करेगा ना। अपन ने क्या हवेली ने पोर्नोग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया है, दिखा दिखा के वो इंपोर्टेंट बनाने को चक्कर है। करो, देखो मत, चक्कर वहां पड़ गया है। सो हरि सेवा विधि विवेक दैवी जीवन को सिखाई, विभुद जनन में बड़ो साख कीनो। ये एक साख महाप्रभु जी ने स्थापित करी। साख मने मॉडल, विद्वानन के भीतर एक मॉडल एस्टैब्लिश कियो कि भूमि पे रहने वालों भूमा को कैसे भज सके है। आनंद निधि अगणित जस हरि लीला अमृत सागर में निसवासर क्रीड़त तहां। कोई न कोई महाप्रभु जी को भक्त जहां जहां अपने ठाकुर जी की घर में सेवा कर रहे हो वहां वहां वह ठाकुर के साथ महाप्रभु जी की क्रीड़ा चल रही है, और वो अपन महाप्रभु जी ही अपना एक्सटेंडेड रूप में अपने द्वारा सेवा कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं ठाकुर जी सु निरंतर। मैं तत्सार भूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह, ये आखो रास पूरित विग्रह, रासस्त्री भाव पूरित विग्रह में छलक तो भयो स्त्री भाव, छलक तो भयो जो है वो पुम भाव को, दोनों को जो कॉम्बिनेशन है सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्रीगुण भावात्मकम पुमरूपम च पुनस्तदंतरगतम प्रावी विशद सप्रिय संस्पृष्टा उभयोर बभव रसमय कृष्ण ही यत साक्षिकम। वो साक्षिक स्वरूप जो है साखो, आई बात ख्याल में, साखो वो साक्षिक रूपम तत् तृतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। वा वल्लभ को ये जो है तत्सार अर्भूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह गोविंदास पधार रहे खवास हते, पर खवास हते पर इनको ख में वास नहीं है, तो ख मने शून्य, वास मने शून्य में रहने वालों, शून्य में नहीं रहते थे, ब्रह्म में रहते थे, परमात्मा में रहते थे, भगवान के साथ, भगवान के लिए, भगवान के होके, भगवान को अपने बना के रहने वालों, ये खवास है, खासा खवास। हमें तो राजना खासा खवास मुक्ति मन ना आवे रे, रिजे राबड़ी थकी गरीब लोग रे भोगी ने न भावे रे, वह तरह के आखो इनको स्वरूप हतो। तो ये आखो गोविंदास का स्वरूप अपन ने चार पदन में, ये पहली व्याख्या सर्वोत्तम की है क्योंकि अपन देख सके हैं गुसाई जी के वचन सु महाप्रभु जी के वचन सु टैली कर करके कि ये एकदम डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट पैदा भई व्याख्या है सर्वोत्तम स्तोत्र के नामन की। दूसरी सारी व्याख्या सेकंड ऑर्डर में आती भई व्याख्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर में आती भई सर्वोत्तम की व्याख्या है, और कितनी मधुर व्याख्या है वो तो अपन इनको अवगाहन करें, इन चारों पदन को और इनकी डेप्थ को अवगाहन करें ना, तभी अपने को पता चल सके। मैं समझूं कि आज अन्य धर्मन को विषय लेने को तो अब टाइम भी नहीं रहे हो, आप लोगों को कुछ सवाल करना हो तो आप जरूर कर सको। हाँ, एक कोई प्रश्न आया है? रास में भोक्तृभाव आवे के कारण वामे जब गोपीजन को अहंकार आयो कि कृष्ण तो मेरे ही बस में है, तो अहंकार के कारण रास में तिरोधान क्यों भये? देखो, अपन यो समझे कि भोक्तृभाव के कारण अहंकार आवे है, ऐसा नहीं है। भोग्य भाव के कारण भी अहंकार आ सके, कोई को भोग्यता को अहंकार आ जाए, कोई को भोक्तृता को अहंकार आ जाए, और अहंकार भी यदि अवेयरनेस को अहंकार होए तो बुरो नहीं है। अहंकार जो है वो तब बुरो हो जाए कि अपन अहंकार को जो है वो कोई के ऊपर जबरदस्ती कंपेल करें वाके कारण। यहां कंपल्शन नहीं है, जहां भी कंपल्शन होएगा ना वहां रिपल्शन आएगा। कंपल्शन करने की बात नहीं है, भोग्य भाव को भी कंपल्शन कोई करे ना तो बहुत रिपल्शन आवे। मैं समझू के गुप्त काल और शुंग काल के बीच में कोई बहुत बड़ो युद्ध भयो तो बिहार और यूपी के टेरिटरी में, और वह युद्ध के कारण ऑलमोस्ट ये सिचुएशन हो गई थी
कि सारे पुरुष हैं कत्ल हो गए थे, स्त्रियां ही बची थी वायरिया में, और बाकायदा स्त्रियां जंगल में हाईवे पे बैठती, दस दस पच्चीस पच्चीस की टोली बना के कोई पुरुष दिखता वाकू रैप करती थी, बांध के, बूंद के, पीट के, मार के, क्योंकि पुरुष बचे ही नहीं थे। भोग्य भाव में कंपल्शन है, तो वाह के कारण वाह वक्त ये कायदा हो गया कि भाई वाह एरिया में जाना ही नहीं, जाने में पाप है, क्योंकि औरतें पकड़ लें अपने को, वो बिचारी औरतें भी क्या करें, वहां पुरुष बचे ही नहीं थे। तो जो पुरुष वहां से यात्रा भूमि से गलती से निकल, तो टोली की तरह वहां पर गैंगरेप करती। तो ऐसी बात नहीं है कैसे भोग्य भाव में कंपल्शन नहीं हो सके, भोग्य भाव में भी कंपल्शन हो सके, वहां में भी रैप हो सके। पीटती थी और पुरुषन को, एक आदमी एक स्त्री को पहुंच सके, पर दस दस बीस बीस पच्चीस एक साथ अटैक करे तो कहां जाए आदमी। भोग्य भाव में भी कंपल्शन हो सके, वो भी नुकसानदेह हो सके, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी बात ऐसा नहीं है कि स्त्री भाव के कारण ही कोई दीनता आ जाएगी, ऐसी कोई स्त्री कोई दीन हो में नहीं हो। वो मैटिस को तो स्पष्ट ऐसे करे कि जब वासु मेटिंग के लिए आवे वाको तो वो को खाई जाए। अब वो बिचारा वो पुरुष जो है वो ऐसे भोग्य भाव से है, वाकू जाकू खवाना है, वो आवे मेटिंग करने वहां, उनके यहां यही सिद्धांत है। तो यह बात को समझो कि स्त्री भाव हर वक्त दीनता वाला भाव है ऐसा नहीं है, वहां में भी जो है वो कंपल्शन और अहंकार को भाव है, और पुरुष भाव हर वक्त अहंकार को ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी दीनता के भाव भी पुरुष भाव में हो सके, दोनों भाव दोनों ठिकाने हो सके। ये तो अपने भाव को आप काय तरह से मने विकृत कर रहे हो कि स्वस्थ रख रहे हो, सारी बात यहाँ पे डिपेंड करे। पुम भाव भी विकृत हो सके है, स्त्री भाव भी विकृत हो सके है, भोक्तृभाव भी विकृत हो सके है, भोग्य भाव भी विकृत हो सके है। मने मैं तो गांव की बात क्यों करूं, अपनी बात में जानूं कि पधरावनी में जाऊं, पेड़ा खवा दें, लच्छेदार दूध पिला दें, अब मैं ना पढ़ूं यार, दस्त हो जाएंगी, खाओ। अब वो खवाने के भाव में इतना जबरदस्ती, दस्त हो जाए वहां में मैं क्या करूं। अब 20 जगह पधरावनी, 20 जगह 20 पेड़ा, 20 बखत काजू, 20 बखत लच्छेदार दूध, ट्रेन में जो दस्त होनी शुरू भाई, मेरे को जयपुर में मैरिज अटेंड करना तो मुको औरतन को पैड पैर के मैरिज में गयो, नहीं तो मैरिज में कैसे जाऊंगा कि मैरिज में आशीर्वाद दूंगा, और कहीं दस्त हो गई तो क्या करूंगा। तो मैं जब फ्लैट में उतरे तो वहां में औरतन के पैड बिक रहे थे, मैंने कहा अच्छा औरत के पैड पैर के और फिर आशीर्वाद दिया है, अब मैं कैसे कथा बताऊं कि मेरी भीतर कथा क्या चल रही है। 20 पधरावनी, 20 पेड़ा, 20 लच्छेदार दूत, भोग्य भाव में इतना रैप कियो मुको, भोक्तृभाव में नहीं हो, खिलाने के लिए। मेरा दिल जाने के मैंने आखिरी रात ट्रेन में कैसे बिताई, हम ही जानते हैं जो गुजरी पे हम पे सुबह हमने किए अकेले अकेले, आखिरी रात ट्रेन में चक्कर मारते मारते सुबह मैरिज अटेंड करने करे कैसे मैरिज अटेंड गरीब श्याम मनोहर। मन की अब या के सिवाय कोई चारा नहीं है, को औरतन को पैड पैरो पेड़ पैर के पे जाके आशीर्वाद दिया, कौन को कथा बतानी है। ऐसी कथा नहीं है, बहुत बहुत भोग्य भाव में भी आदमी जो है वो अत्याचार कर सके नहीं कर सके। मैं यही लिए ऐसा पवित्र बारस के दिन भाग जाऊं, क्योंकि दे मिश्री इतनी मिश्री खवा दें कि नहीं शुगर बढ़ती हो तो बढ़ जाए, और हार्ट अटैक आए तो कौन जिम्मेदार वाको। तो जो रण अपन जीत नहीं सके वहां कुछ छोड़ना ही अच्छा है ना, रण छोड़ रहा है कीजिए करना। मैं यही लिए पवित्र बारस के दिन भग जाऊं, क्या बचाओ या भक्ति से बचाओ, क्योंकि ये भक्ति बहुत भारी पड़ जाएगी, तुम्हारो कुछ नहीं जाएगा, मेरो जीवन जाएगा मिश्री खवावे में। तो यहाँ लिए भाग जाने में मैं ही सार समझू अपने जन्मदिन के दिन वाके दिन, क्योंकि इतनी सब भीड़ मौसम नहीं सहन हो है। अब बेचारा आवे भोग्य भाव से हो भोक्तृभाव सुनिए, आ मिश्री अरोगावे के लिए आवे, पाची कई बुढ़िया है तो ऐसे कहें खोलो, अरे मैं हाथ से ले लो नहीं खोलो, खोल मो खोल दिया तो एक के बजाय चार टुकड़ा डाल दिया। अब मोसो ये सहज नहीं हुआ कि वो मिश्री को टुकड़ा पाचा थूक के दाना को पाचा बेचो वो झोंबीपन मेरे में नहीं है। बालके ऐसा भी करें कि मिश्री खाते जहां पुकर के थूक के वो फिर दोना पाचा और बेच दे, सवा रुपया, दस रुपया, ग्यारह रुपया में मुख्य बहुत इनहाइजीनिक लगे, इतना ही नहीं बहुत निष्ठुर व्यवहार लगे कि ऐसा व्यवहार क्यों करना। पर
सब जगह अत्याचार हो सके। मेरे कहने को मतलब है कि ऐसी बात नहीं है कि अहंकार के सिर्फ भोक्तृभाव में ही हुए, भोग्य भाव में भी बड़े बड़े अहंकार प्रकट होते हुए कि अपने जाकू मैंने पता ही नहीं चले कि अपन कब शिकार बन गए या भोग्य भाव के। सो ऐसे मत सोचो कि गोपीकांत में भोक्तृभाव प्रकट भयो वासु कृष्ण छिप गए, भोक्तृभाव के कारण नहीं छिपे। वो तो एक गोसाई जी स्पष्ट वहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान ये बात बताना चाह रहे हैं कि या बखत भगवान में को जो है वो रोने की इच्छा नहीं है। विप्रयोग भगवान को विप्रयोग में, जैसे राम अवतार में भगवान को रोने की इच्छा होती वाली है रोए थे, कृष्ण अवतार में कृष्ण को रोने की इच्छा नहीं है, सबको हंसने और सबको हंसाने की इच्छा है वाली है वो, जो भाग गए। जब तुम रोने ही चाह रहे हो तो हम चुप जाएंगे। ये गोसाई जी ने वहां कारण बताया कि रोने की इच्छा नहीं है, अगर रोने की इच्छा होती तो ठीक है हो जाता काम, अभी नहीं है मूड रोने को तो व्यर्थ में काय को रोना जी भगवान कचरा पधारी गया। अरे नहीं इच्छा रोने की तो काय को रो, मैं हंसने हंसाने की इच्छा है, हंसो चेंसो हंसो काय को खोटे खोटे रोनो। ये मूल बात है वहां, वो अहंकार की बात नहीं है। सो ये रहस्य समझो, मैं समझू आज को अपन यहां रखें। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं या कली में जासो ए निवेरो, सुर कहा कहे द्विध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चर। संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः, यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्, लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं, चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। प्रताप अवनितल प्रकट भयो श्रवणन सुनी, दै उग्र प्रताप अवनितल प्रकट भयो श्रवणन सुनी, दैवी जन घर घर सब
करत है बधाई बधाई बधाई। हरिवदनानल श्रीवल्लभ करुणा करी कलिजुग में। द्विजवपु धारण करी बहुर्योदयी दिखाई बधाई बधाई बधाई। गणित महिमा कहाँ लो एक रसना करो बखान। बड़ भागी दैवी सृष्टि रंक महानिधि पाई बधाई बधाई बधाई। सठ कला प्रवीण विद्या निधि वल्लभ वर। प्राकृत वपु देखी मोहे कछुक पार न पाई बधाई बधाई बधाई। अब लो ऐसो स्वरूप देख्यो नहीं श्रवणन ना सुन्यो। निज जन उद्धरण यह बानिक बनी आई बधाई बधाई बधाई। कहत गोविंद सुमिरो सदा निस्वासर आठों जाम। आदर सो जीव हो गुण गाई बधाई बधाई बधाई। सिधुपूरिता शेष सेवक विनती मेरी सुनो।
जन्म के अवगुण मेरे कछु मति गिनो। तुमसे महा उदार न कोऊ आगे देखे न पाछे सुने। अब यह विधि बनी सब दैवी जन काज करी करुणा सब परिकर सहित प्रकटे भूतल में। सुर नर मुनि देख कहत जय जय महाराज। उग्र प्रताप देखी कहत बहुरो प्रकट गोकुलेश। वपु धारण कर कीनो कलिजुग में साखो। कहत गोविंद सब समर्पी वल्लभ के शरण जाऊं। सुनियत है बिनु साधन पूरत मन इच्छा अभिलाको। श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम। श्री वल्लभ के नाम पे कोटि नाम वारो। और उपाय सब तजो श्री वल्लभ पद कमल भजो। सुभग मूरति मम हृदयानी अनिमिख ना बिसारो। जागत सोवत रैन दिन रसनाते चाडू नहीं। लगन लागी रही मन वच कर्म निर्धारो। प्रकटे
श्री वल्लभाधीश वदन वन्नी आनंदमय वल्लभ दिन मणि कियो जगत उजियारो मायावाद तिमिर गयो श्रुति पथ प्रकट भयो मायावादी मत गयंद कौ पुजो सिंह भारो कहत गोविंद अन्य सबे उपाय कौ उपाधि जानी तजो हानि होत जाते कहो सुनो हमारो तत्सार भूतरास स्त्री भाव पूरेत विग्रह प्रभु रास रसिक लीलामृत रहत सदा भीनो निज प्रमेय बल करी के बिन साधन कलियुग में उद्धरे अनेक जीव भूमि सो जस लीनो मारग पुष्टि श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र अति अगोचर मायावाद खंडन करी सो तो प्रकट कीनो हरि सेवा विधि विवेक दैवी जीवन को सिखाई विबुध जनन में बड़ो साख कीनो श्री वल्लभ स्वरूप महिमा को जग जानत नाही सदानंद वदन वन्नी सबे कला प्रवीण
सत सागर में निसवासर क्रीड़त तहां गोविंद जन भीनो तत्सार भूतरास स्त्री भाव पूरित विग्रह प्रभु रास रसिक लीलामृत रहत सदा भीनो कल अपन ने तत्सार भूतरास स्त्री भावपूरित विग्रह के दो ब्रेकअप के हिसाब से शब्द जातरसु उनको विग्रह हो गए समास विग्रह वह हिसाब से दो तरह की रासलीला जा में एक लीला में जीव को भोग्य भाव होना चाहिए और दूसरी लीला में भोक्तृभाव होना चाहिए और वो भोग्य भाव और भोक्तृभाव दोनों सुसंयुक्त श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है वो अपन ने देखो वह मैं खास ध्यान देने की बात ये है कि एक को अनेक होना एक को अनेक होना वो एक के लिए है सो अनेकन को वो खुद के लिए ऊंची समवाय के हिसाब से थोड़ी उग्रता प्रकट करने वाला भाव है जो महात्म्य ज्ञान के कॉरेस्पॉन्डिंग है और जो दूसरी रासलीला है जो दशम स्कंध में बताई गई वहां अनेक के लिए एक भय है प्रकट भय है ये बेसिक डिफरेंस है वहां एक के लिए अनेक प्रकट भय हैं यहां अनेक के लिए एक प्रकट भय है जहां अनेक के लिए एक प्रकट भय वा में वा एक के प्रति अपनो भोक्तृभाव होना वो एक मॉडल अपन ने देखियो और ये जो दूसरा मॉडल है भोक्तृभाव वालो वो एक के प्रति अपनो भोक्तृभाव होना चाहिए वाकू अपने यहां अनन्याश्रय के रूप में बतायो है अनन्या शक्ति के रूप में बतायो है शरणागति के एंगल से देखो तो वाकू अनन्याश्रय के रूप में बतायो है भक्ति के एंगल से देखो तो वही बात को अनन्या शक्ति के रूप में बतायो है वाकी खासियत ये है सामान्यतया जैसे लोगन की धारणा ऐसी है कि प्रत्येक गोपी के साथ मैंने समझ लो कि 16 गोपी हैं तो 16 कृष्ण हैं अपनो वो मॉडल को हल्ली सक या रासड़ो नहीं है दो गोपीन के बीच में एक कृष्ण है तो अष्टव कृष्णा भवंती ही ये अपनो मेथड है
क्योंकि दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण होने से हर गोपी को सिर्फ एक ही कृष्ण मिले, दो नहीं मिले। इवन कृष्ण को भी अनन्याश्रय है, कृष्ण में भी अन्याश्रय नहीं है, कृष्ण के स्वरूप में भी अनन्याशक्ति है, कृष्ण के स्वरूप में भी अन्याशक्ति नहीं है। ये आखो अपनो एक रास को मॉडल है, और यह मॉडल में जो खास रिमार्केबल बात है वो ये है कि कृष्ण सबको एक होते भय भी अनेकन को अवेलेबल हो सके है। मायावाद या विषय में यो माने हैं कि एक को अनेक होनो वास्तविक नहीं हो सके, माइक है। यासु अनेकन को एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म को भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो सत्य है और अनेकता माइक है। या तरीके को दो एक डिपार्चर अलग लाइन है, लाइन ऑफ डिपार्चर दो अलग अलग हैं। वहां में खास ध्यान रखने लायक एक बात यह है कि अनेक जा वक्त एकावलंबी होवे, बा वक्त अनेकन को अपने अवलंबनार्थ एक अवेलेबल है कि नहीं है, कि वो भी मिथ्या हो सके। सो मैं एक देखो बहुत मजेदार दर्शन कराने लाया हूं आपको। देखो ये बुद्ध भगवान को मुख है, या कोई यहां वाले देखते होंगे तो उनको यह लगेगा कि उनको देख रहे हैं, यहां वाले देखते होंगे तो उनको लगेगा यो दिख रहे हैं, कुर्सी पे बैठे वाले इनको लगेगा कुर्सी की तरफ देख रहे हैं, नीचे बैठे वाले इनको लगेगा नीचे देख रहे हैं, एकाध कोई खड़े होकर देख लो तो देखो ऊंचे देख रहे हैं। सबको देख लो, यहां वाले इनको पूछो तो कहेंगे हमको देख रहे हैं, वहां वाले कहेंगे हमको देख रहे हैं। एक कृष्ण सबको कॉमनली अवेलेबल है या मॉडल्स, ठीक है बात। जो भी आपको देखेगो यद्य धियात उरुगाय विभावयंती तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय, देखो इनके तरफ और आपको लगेगा कि आपकी तरफ देख रहे हैं, मुझको यो मोड़ने की जरूरत नहीं है, यो रख रह के भी जो या बाजू बैठे उनको लगेगा या बाजू देख रहे हैं, जो या बाजू बैठे उनको लगेगा या बाजू देख रहे हैं, खड़े होकर देखोगे तो ऊपर हो जाएंगे, बैठ के देखोगे तो नीचे हो जाएंगे। बात आई समझ में? हाँ देख लो खड़े होके। तो कृष्ण की या तरह से अवेलेबिलिटी है, बात समझ में आई अच्छी तरह से। ये अपरिच्छिन्न को पूर्ण को अपूर्णता दर्शाने को मॉडल है, परिपूर्ण मर्दे तमाम को, मर्दे तमाम को कस तमामी दिखाने को मॉडल है। अब देखो याकू मैं पूर्ण बना दू ना वो नहीं मिलेगा, वो अपने एक ही मॉडल में दिख रहे हो, अब आपके तरफ नहीं दिखेगा, वो गई बात, अब वो यूनिवर्सल हो गया। जहां एंगल से आप देख रहे हो वह एंगल में जो एंगल दिखेगा वही एंगल दिखेगा, दूसरा एंगल शायद दिखेगा भी नहीं अब आपको। आ रही है बात समझ में अच्छी तरह से? देख लो यूं
પરિચ્છિન્નતા પ્રકટ કરી, અપરિપૂર્ણતા પ્રકટ કરી, મને તસ્માદ વા એતસ્માદ આત્મની આકાશ સંભૂત, આકાશ આકાશાદ વાયુ વાયોરગ્નિ અગ્નેરાપ અદ્ય પૃથ્વી પૃથિવ્યામ ઔષધય ઔષધિભ્યોન્નમ અન્નાત પુરુષ. પુરુષ કે લીએ જા વખત પુરુષોત્તમ પ્રકટ હુએ તો પુરુષ કે જૈસે પિત્રો સંપશ્યત સદ્ય બભૂવ પ્રાકૃત શિશુ, વો યા તરે કી પરિચ્છિન્નતા લેકે પ્રકટ હુએ હૈ. પરિચ્છિન્નતા લેકે પ્રકટ હુએ પર યે બાત મત ભૂલ્યો કે વો પરિચ્છિન્નતા મેં ભી સબકો એટેન્ડ કર સકે હૈ, અપન અપની પરિચ્છિન્નતા મેં સબકો એટેન્ડ નહીં કર સકે. ये परिच्छिन्नता में वो सबको अटेंड कर सके, ये बुद्ध अब परिपूर्ण हो गया ना, खत्म, कम्युनिकेशन बंद, नो कम्युनिकेशन. आई समझ में बात? अब देखो नीचे कर दूंगा ना, ऊपर देखते दिखेगा, जहां से देखोगे वहां से ये आपको देख रहे है. સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણશ્ચ, હર બાત મેં આપકી સાક્ષી બન રહ્યો. દેખ રહે ને ઉપર, યે મજા આયા કી. યા મોડલ કો સમજો અચ્છી તરહ સે, યા મોડલ કો સમજોગે યા મેં મિથ્યા કછુ ભી નહીં હૈ. ये कोई मेस्मराइज नहीं कर रहे हूं, हिप्नोटाइज में नहीं कर रहे हूं, कोई जादू नहीं है, या मैं कोई मेरे पुरुषोत्तम होने का प्रमाण नहीं है कि ओ श्याम मनोहर जी साक्षात पुरुषोत्तम कैसा बुद्ध भगवान ने एवा दर्शन कराया. नहीं नहीं नहीं, वो वाको वो कॉन्स्टिट्यूशन ही या ढंग को है. या बात को समझो अच्छी तरह से, या को कॉन्स्टिट्यूशन या ढंग को है, पर फिर भी चक्कर पड़ जाए है. चक्कर क्यों पड़ जाए है? जैसे कोई भी जो अपने विजन के मैकेनिज्म है, विजुअल मैकेनिज्म है, वाकई कोई लॉ को ये फॉलो करती वही बात है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स की बात समझ में. ये सारी बात कॉन्केव और कॉन्वेक्स के जो विजन के लॉ हैं वाकू फॉलो करने वाली बात है. और वाकू फॉलो करने के कारण कई लोग यूं माने कि ये लॉ को फॉलो कर रहे हैं, या लिए ये भी मिथ्या है. अच्छी बात है. अपनी भागवत क्या कह है वो मैं समझाना चाहूंगा. भागवत ने बहुत मजेदार दो पैराडॉक्सिकल विधान किए हैं. एकदम एक विधान भागवत करे है, मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते न्यैरपिन्द्रिय अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यत्वमञ्जसा. मनसु वाणीसु दृष्टिसु और भी जो कोई तुम्हारी इंद्रिय हैं उनसे जो भी कुछ तुमको ग्रहित हो रहे है, मैं ही ग्रहित हो रहा हूं, मेरे अलावा और कोई चीज ग्रहित नहीं हो रही है. अहमेव न मत्योन्नत इति बुद्ध्यत्वम अंजसा. सरलता से यह बात को समझ जाओ, अंजसा बुद्ध्यत्वम. कॉम्प्लिकेशन खड़ो ही मत करो, इफ बट मत लाओ. या में इफ बट लाने की जरूरत नहीं है. अंजसा या को समझ जाओ कि मेरे अलावा और कोई चीज को ग्रहित नहीं हो रही है, चाहे तो आंख सु, चाहे तो नाक सु, चाहे तो कान सु, चाहे जीभ सु, चाहे स्पर्श सु. वही भागवत एक पैराडॉक्सिकल दूसरा विधान भी कर रही है. और वहां वो ये बात क्या है कि यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम ग्रह्यमाणंच विद्धि माया मनोमयम. आंखसु नाकसु वाणीसु कानसु जो भी कुछ तुमको नश्वर दिखाई दे रहे है वो सब माया मनोमय है, मैं नहीं हूं. अब
माया मनोमय है कि मैं हूं, दोनों विधान सच्चे कि एक विधान सच्चो कि दोनों खोटे, तीन ऑप्शन हो गए ना अपने पास, या तो दोनों विधान सच्चे तो वो कौन से सेंस में सच्चे, दोनों विधान खोटे तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, गप मारने की आदत होगी भागवत को, दोनों में से कोई एक सच्चो तो कौन से अर्थ में सच्चो, ये पाछो अपने को सोचना पड़ेगा ना। नेचुरली जा वक्त अपनो भोक्तृभाव प्रबल हो रहे है, जा वक्त अपनो भोक्तृभाव अपनो कर्तृभाव अपनो ज्ञातृभाव प्रबल हो रहे है कि मैं जानू हूं, मैं कुछ करूं हूं, सच्चो ज्ञान मोकू हासिल करना है, सच्चो ज्ञान मोकू प्राप्त हुए है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके मोकू कुछ अपने कर्म को ऑर्गेनाइज करना है, या ढंगसु के जासू मैं, या अनेकता के झंझट में सु, माया के झंझट में सु मुक्ति पाऊं, वह वक्त अपने को डेफिनेटली ऐसे ही लगेगो कि ये अनेकता जो है ये माइक है और एकता ही सत्य है। जा वक्त अपना ये भाव नहीं है, जा वक्त अपना ये ज्ञात्रिता को और कर्तृता को और भोक्तृता को भाव इतना प्रबल नहीं है। देखो मैं जान रहे हूं, मैं कर रहे हूं, मैं सदसत को या बंधन और मुक्ति को भोग करूंगो, वहां तक कोई लफड़ा की बात नहीं है। मैं ही जान रहे हूं, मैं ही कर रहे हूं, मैं ही अपनी बंधन मुक्त को ऑर्गेनाइज करने वाला हूं, वहां से फिर लफड़ा शुरू हो जाए, तब अपने को लगे कि पाछी अनित्यता जो है, नश्वरता, अपरिपूर्णता, परिच्छिन्नता, ये सब मिथ्या है, कोई ना कोई मेरी भ्रमणा है, क्योंकि मैं ही बोल रहे हो ना, तो वह मैं ही में ये बात प्रकट हो रही है कि मेरे अलावा सब कछु मिथ्या है। और भगवान की वापे साखो भी मिल रहे अपने को कि विद्धि माया मनोमयम, वो माया मनोमय है। महाप्रभु जी ने क्या खोजियो, महाप्रभु जी ने खोजियो क्या, मैंने अपन कह रहे हैं कि उग्र प्रताप अवनी तल प्रकट भयो, अवनी तल प्रकट भयो, शवनन सुनी दैवी जन घर घर सब करत हैं बधाई, तो वो उग्र प्रताप ने कौन से अपनो प्रताप को वापर के और क्या पैरामीटर खोजे या मैं डिसीजन लेने को, वो पैरामीटर अपन डिस्कस कर लेंगे, तो आज सारे जो मत दूसरे चलने वाले हैं उन सब की अपनी फाउंडेशन समझ में अपने को आ जाएगी। महाप्रभु जी कह रहे हैं, बात बिल्कुल सच्ची है कि जो भी नश्वरतया ग्रहित हो रहा है वो माया मनोमय है। प्रभु को न ये वचन खोटो है, न प्रभु को पहले वचन खोटो है कि आंख सु नाक सु कान सु स्पर्श सु जो भी कुछ ग्रहित हो रहे है वो मैं ही ग्रहित हो रहे हूं, वो वचन भी खोटो नहीं है। जो भी कुछ नश्वर ग्रहित हो रहे है आंख सु नाक सु कान सु वो माया मनोमय है, ये वचन भी खोटो नहीं है। तो शुद्धाद्वैत के पास ऐसो क्या किमिया है, शुद्धाद्वैत के पास ऐसो क्या किमिया है। अब देखो ध्यान से समझो, महाप्रभु जी को कोई तकलीफ नहीं है, ब्रह्म को विरुद्ध धर्माश्रय माने तो देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच इव अमूर्तंच मर्त्यंच अमृतंच स्थितंच यच्च सच्च त्यच्च सच्च त्यच्चा भवत निरुक्तंच निलयनंच
विज्ञानंच विज्ञानंच सत्यंच अनृतंच सत्यमहत्, सब कुछ ब्रह्मी है। नहीं विरोध उभयम भगवती अपरिगणित गुण गणे ईश्वरे अनवगाह्य महात्म्य, सारे विरुद्ध धर्म को वो आश्रय है, अनोरणीयान है, महतो महीयान है। वो तो ठीक बात है, वो तो अपना एक स्टैंडर्ड आंसर है और है हर वक्त रहेगा, वह आंसर को अपन डिनाई नहीं करें। पर एक दूसरी बात अपने को यहां में खोजनी है वंस एंड फॉर ऑल, और वो बात खोजनी है जो महाप्रभु जी को मैंने भाष्य में आपको बताई कि जो तुम अविद्यासु सदसद विलक्षण जगत की उत्पत्ति मान रहे हो वो सत को अंतर्गत है कि सत के बहिर्भूत है। यदि सत के अंतर्गत है तो पार्ट ऑफ द सत है, सत के बहिर्भूत है तो वो है ही नहीं, क्योंकि सत के बाहर कुछ हो ही नहीं सके। लिहाजा माया और मन दोनों भगवद रूपी तो हैं, तो जो नश्वर अपने को भगवान में नश्वरता दिखाई दे रही है वो भगवान स्वरूप सु नहीं दिखा के अपने माया और मन के द्वारा, मन के जो रूप धारण किए हैं उन रूपन सु नश्वरता दिखा रहे हैं, दिखा तो भगवान ही रहे ना। लॉजिक अपन ने मेजर प्रिमाइस तो समझ ली कि सत के बहिर्भूत नहीं हो सके, पर भगवान ने यह बात कबूल करी है कि नहीं करी है वो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। भूमि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये सब मेरे धारण किए भय रूप है, तो मन भगवान को धारण किए भय एक रूप है अपने या शरीर के भीतर, मन के रूप में भगवान एक इंस्ट्रूमेंट बने हैं, और माया जाकू माया कह रहे हैं वह माया को भी भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मायांच अविद्यांच स्वयमेव भवति, जैसे मोत्तर तापनी कहे कि वो एक ही ब्रह्म माया भी बने हैं अविद्या भी बने हैं। भगवान गीता में भी यह बात को कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियन में मैं मन हूं। अब यदि मन भी भगवान है और माया भी भगवान है तो वह मन और माया के कॉम्बिनेशन से कोई एक सीन खड़ो कर रहे हैं भगवान, वो अल्टीमेटली खड़ो कौन कर रहे है, भगवान ही तो कर रहे हैं। कोई असत्य वस्तु तो सदसद विलक्षण तो वस्तु खड़ी कर नहीं रही है, जब सदसद विलक्षण वो खड़ी नहीं हो रही है तो आपको भी सती तो मानना पड़ेगा। अंतर कितना है कि कुछ अनश्वर सत है और कुछ नश्वर सत है, तो वाने मन और माया के कॉम्बिनेशन सु एक नश्वर सत अपने सामने प्रकट करके दिखा दियो कि मन और माया के कॉम्बिनेशन सु नश्वर सत प्रकट हो गए है, और मन और माया के कॉम्बिनेशन नहीं हुए तो जो तुमको आंख सुग्रहित हो रहे हो वो अनश्वर सत है। बात आई समझ में? आपको लगेगा बहुत बॉम्बास्टिक बात हो गई, कभी कोई 3D पिक्चर जाके देखो, वहां में लाल या ब्लू या लाल या हरो चश्मा अपने को पहरा दें। सफेद चश्मा पहरोगे ना तो 3D इफेक्ट नहीं आएगी, लाल हरो पहरे हो तो जो प्रोजेक्शन चल रहे है वो 3D हो जाए। सफेद पहरे हो अपन ने वही प्रोजेक्शन 3D नहीं रह जाएगा, मोनो डायमेंशनल हो जाएगा। प्रकाश वही है, स्क्रीन वही है, देखने वाली आंखें भी वही हैं, चश्मा को रंग बदलने से एक सीन जो है वो 3D बन रहे है, और चश्मा को रंग नहीं बदलो अपन कहें कि हम काय को हरे और लाल चश्मा पहरे, काय को हरे और ब्लू चश्मा पहरे, मत पहरो, सीन तो दिखेगा ही ना, पर वो 3D नहीं दिखेगा, 2D पिक्चर दिखेगा। और वही लाल और हरे अपन ने पहन लिया है, लाल और ब्लू पहन लियो
वो को वही स्क्रीन, वो को वही प्रोजेक्शन, वो की वही आंख अचानक थ्री डायमेंशनल दिखाने लग जाए। अब चश्मा पहरे या लियो मिथ्या, तो दृश्य तो बदल नहीं रहे हो है ना, दृश्य को अवलंबन नहीं बदल रहे है, दृश्य को आपके आंख के साथ इंटरेक्शन की प्रक्रिया नहीं बदल रही है। दो चश्मा बदल दिए वो भी सत्य है, पाछे दो चश्मा के रंग बदले हैं ग्लास के वो भी सच्चे हैं, पर इफेक्ट बदल रही है। जो अनश्वर है वो अब नश्वर दिखलाई दे रही है, और स्क्रीन जो है वो टू डायमेंशनल है, वो ही स्क्रीन अब थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोगों ने कोई नहीं देखा कि नहीं देखा है? देखे आइयो, अभी आई है वो कोई एक पिक्चर, टाइटेनिक, टाइटेनिक आई है, देखे आइयो वो हरो ब्लू चश्मा चढ़ा के देखोगे ना वो के वही सीन, फिर उतार के भी देख लीजिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपको पता चल जाएगा कि वो के वही सीन, वो के वही स्क्रीन, वो के वही प्रोजेक्शन, वो की वही आंखें, सीन को टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करें। ऐसे वो को वही घड़ा, वो के वही टेबल, वो को वही आदमी, वो को वही देश काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष, माया मनोमय को चश्मा लगा के देखियो तो नश्वर दिखेगो, माया मनोमय चश्मा नहीं लगा के देखियो तो वो मैं ही ग्रहित हो रही हूं, भगवान कह रहे हैं वहां में मिथ्या कुछ भी ग्रहित नहीं हो रहे है, या रहस्य को अपने को अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। ये तो समझने की बात है। तो भगवान खुद भी कह रहे हैं कि ये माया पाची कोई सदसद विलक्षण नहीं है, देवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये तो दैवी माया है। अब दैवी माया का मतलब क्या? दिवु क्रीड़ा विजिगिषा मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, ये खेलने को एक माने स्पोर्ट को रूल है, ये स्पोर्ट के मैं एक रूल इंट्रोड्यूस कर दियो। क्या रूल इंट्रोड्यूस कर दियो? कि ये गोटी यहां है और ये गोटी यहां है और यहां कोई गोटी नहीं है, तो ये गोटी यहां आ जाएगी तो गोटी मर गई। अपन कहें कि अब मर कैसे गई, गोटी में तो कोई जीवन ही नहीं है, मरे कैसे? अरे भाई एक रूल इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं? खेलने को एक रूल इंट्रोड्यूस किया है हमने कि भाई वाह गोटी को मरी, वाह गोटी मर जाएगी। मर जाएगी का मतलब क्या? कि चेस बोर्ड पर वाह को फिर कोई रोल रह नहीं गयो। सीधी सी बात है, यदि वाह ने यहां मार दिया वाह को, खत्म रोल वाह को खत्म हो। जब तक नहीं मारे तब तक वो कुछ अपना रोल अदा करेगी। गोटी गोटी को मार दे, वाकई कुछ नियम है रूल, वो कोई एक रूल इंट्रोड्यूस कर दिए कि मनोमय सुजा बखत तुमको दिखलाई दे रहे है वो नश्वर है, वाकु संवत्सर खा जाएगो वाह के लिए तुमको उग्रता प्रकट हो रही है, उग्रता के कारण तुमको जो है वहां में द्वेष आ रहे है, भय आ रहे है, क्रोध आ रहे है कि सब माया है, ये सब माया है, तुमको ग्लानी आ रही है, अरे रे रे बचो 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 बचो, वो रूल है क्योंकि मार रहे हो ना, उग्रता आ गई। और यदि माया मनोमय नहीं है देखने को, वही को वही वस्तु, वही की वही बात, वही के वही साधन, वो के वो सारी बातें, वो आपको ऐसो नश्वर अनश्वर लग रहे हैं। अहमेव न मत्तोन्यत इति बुद्ध्यद्व मंजसा, या तरह से समझ जाओ। तो अक्सर क्या हुआ है कि जा बखत सृष्टि की लीला भगवान ने प्रकट करी, सृष्टि की लीला जो भगवान ने प्रकट करी वह लीला में क्योंकि एक के अनेक होने की प्रक्रिया है, और वो एक के अनेक होने की प्रक्रिया को महाप्रभु जी ने एक नाम दियो है सर्वभवन सामर्थ्य। अब वो क्योंकि अपने में नहीं है सर्वभवन सामर्थ्य, अब कोई यदि सर्वभवन सामर्थ्य होए तो अपने को अपनी फुटपट्टी से माप के लगे कि बात खोटी, क्योंकि अपन सब कुछ हो नहीं सके हैं, अपन जो हैं सो ही हैं। तो जब अपन जो हैं सो ही हैं तो अपने को लगे कि एक वस्तु सब नहीं हो सके, सीधी सी बात है।
वह एक के अनेक होने में अपने को बड़ी उग्रता लग रही है, द्वेष आ रहा है, कैसे कैसे हो सके। और जब अपने को वह एक्सेप्टेबल नहीं होवे, रिलायबल नहीं होवे, तब अपना नेट रिजल्ट क्या हुआ? मिथ्या, माया, दैन्य प्रकट हो जाए तो अविद्या। देखो ध्यान से समझो, अपने को समझ नहीं आ रहे हो तो अपन कहेंगे अविद्या है ये, समझ आ गए हो ऐसा भ्रम अहंकार पैदा हो गया तो लगेगा कि भ्रम है, ये सब भ्रम है, प्रपंच मिथ्या, दृश्यत्वात् शुक्ति रजत्वत् रज्जु सर्पवत् भ्रम है, क्योंकि अपने को जानने को अहंकार प्रकट हो गया है, वो उग्रता पे अपने को द्वेष हो रहा है, सौम्य भाव अपनो सौम्यता वाकी ग्रहित नहीं हो रही है, और वही सौम्यता यदि ग्रहित हो जाए तो अपने को लगेगा कि नहीं नहीं ये मिथ्या काय को, ये तो लीला है, रूल ऑफ द गेम है, ऐसे ही तो गेम खेली जाएगी, वहां में मिथ्या की बात कहां से आई? जब खेल खेलने बैठे हैं, एक अनेक होने को खेल खेल रहे हो, वहां में मिथ्या और सत्य को इश्यू कहां है? मिथ्या और सत्य को इश्यू तो जब आया था जब तुमसे पूछे हो तो कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम्हारी समझ तुमको रिलायबल है कि नहीं, तब तुम ये जजमेंट दो तो ठीक बात है, तुमसे पूछ कौन रहे हो, तुम तो वाकई प्रोडक्ट हो। Who asked you? And who are you to decide whether it is true or false? अपन समझो क्रिकेट चल रही है, अपन जाके वहां में से हल्ला मचा रहे हैं स्टेडियम में कि नहीं नहीं आउट नहीं भयो, एम्पायर क्या कहेगा? बाहर निकालो। क्यों? तुमको एम्पायर बनाया है, तुम तो स्पेक्टेटर हो, तुमको एम्पायर तो बनाया नहीं, जो गेम को प्रिसाइड कर रहे हो है वाको डिसीजन चलेगा ना, बात समझ में आई ना? तो ये कथा है या के कारण अपने को सत्य और मिथ्या के निर्णय में या तरह से फ्लक्चुएशन हुए, और ये जो फ्लक्चुएशन हुए वह फ्लक्चुएशन के बारे में चुआंग जू ने बहुत मीठी बात कही है। बहुत मीठी बात कही है, अपने शुद्धाद्वैत को समझना होए ना तो वासु कोई अच्छी मीठी बात मिलनी मुश्किल है। चुआंगजू क्या कह है? चुआंगजू यो कह है, उनके यहां भगवान को हेवन कह है और दुनिया को पृथ्वी कह है। अब वो हेवन मने वो कौन क्या है वो क्लेरिफिकेशन नहीं है, पर हेवन को मतलब भगवान है। तो चुआंगजू एक बहुत अच्छी बात क्या है कि हेवन के कारण नुकसान से बचना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। हेवन के कारण नुकसान से बचना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सावधानी रखें तो ही हेवन के कारण होते भाई नुकसान से अपन बच सकें। साथ साथ में एक वो दूसरी बात यूं क्या है कि मनुष्य के कारण फायदा पाने से बचना भी बड़ी मुश्किल बात है। बहुत मीठी बात है, मनुष्य के कारण फायदा पाने से बचना भी बहुत मुश्किल बात है। अपने को लगे जैसे उपनिषद और भागवत ऐसे पैराडॉक्सिकल बात कर रहे हैं, ऐसे वाने पैराडॉक्सिकल बात कर दी, पर जब समप कर रहे हैं चुआंगजू, एक्चुअली वाने ये कन्फ्यूशियस और हुई के आपस के डायलॉग में ये बात बताई, वो भी बड़ी अच्छी बात है। वो मैं देखो आपको बताऊं कि कन्फ्यूशियस और हुई कहीं साथ जा रहे थे गुरु शिष्य, और कोई एक कोई दूसरा व्यक्ति जो बहुत डिस्टर्ब है तो और वो भजन गा रहे हो तो बहुत बुरे सुरे सुर में भजन गा रहे हो तो कि वो
भगवान को भी जैसे अपने रूपा पोरिया गाते तो और गोविंद स्वामी को लगे ना कि ये ऐसा बेसुरो गा रहे हो, वात परेसु कन्फ्यूशियस को लगे कि बहुत बेसुरो गा रहे हो। वाको जो चेला हो तो अब मैं जॉम्बी नहीं कह रहे हूं, जॉम्बी नहीं कह रहे हूं, वाको जो चेला हो तो वो वाह वाह कर रहे हो तो वाह वाह क्या क्या सुंदर भजन गा रहे हो। तो कन्फ्यूशियस को लगे कि ये क्योंकि चेला जो है ये व्यर्थ में गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, गुरु तो बहुत बेसुरे भजन गा रहे हो। तो वापरवान ने यह बात कही कि हेवन से होने वाले नुकसान से बचना बहुत मुश्किल कथा है और मनुष्य से होने वाले फायदा से बचना बहुत मुश्किल कथा है। बैठे बिठा है वहां को यो लगे कि वह हेवन को वो ऐसे बेसुरे सुर में मना लेगो गा के। वो कोई बखत मन जाए, अपन कोई बखत क्या हुआ, अपन प्रार्थना करें शिनाथ जी की, शेरड़ी के साईं बाबा की, गिरिराज जी की, चांस तो 50-50% है ना सफल या विफल होने को। सफल हो गई तो वो स्वर्ग के द्वारा होते भाई नुकसान से बचना बड़ो मुश्किल है। फिर अपनी एक वो रिफ्लेक्स डेवलप हो जाए कि जब भी कोई इच्छा भाई तुरंत मानता मान और मानता पूरी हो जाएगी, चढ़ाओ दूध चढ़ाओ पानी चढ़ाओ ये चढ़ाओ वो कर परिक्रमा कर यहां से वो यात्रा और ये वो करो धिकड़ो करो पूछड़ो करो, व्यर्थ में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए। करना है वो नहीं करे आदमी। वाली कन्फ्यूशियस ने कही कि हेवन के द्वारा होते नुकसान से बचना बहुत मुश्किल है और मनुष्य के द्वारा मिलते फायदा से बचना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि कम से कम वाके चेला को इतनी तो समझ में आई ना बात कि तकलीफ हो तो रोनो नहीं गानो। वाको इतनी तो समझ में आई ना, वो तो आके गुरु के ही कारण समझ में आई ना, क्योंकि गुरु मनुष्य रो रहे हो तो वाको रोने के बजाय वो गाना गा रहे हो बेसुरे सुर में। मतलब वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले वा तरीके कोई गाना गा रहे हो। वाके कारण वाने कही कैसा मनुष्य से होते फायदा से बचना भी बहुत मुश्किल है। पर या वाक्य को पूरक वाक्य जो वाने लिखे दादा भाई मस्त लिखे है कि ये पृथ्वी और हेवन एक ही है। ये पृथ्वी और हेवन दो नहीं है, ये बात ध्रुव समझो तुम। ये पृथ्वी और हेवन एक ही तत्व है, पर या पृथ्वी के पैदा होने वाले सुफायदा से बचना मुश्किल है और हेवन से होने वाले नुकसान से बचना मुश्किल है, क्योंकि वहां कोई उग्रता प्रकट हो रही है, यहां कुछ सौम्यता प्रकट हो रही है। बात समझ में आई ना? ये रहस्य एक बात ध्यान से समझो कि शंकराचार्य को पता नहीं है, भगवतपाद शंकराचार्य को ऐसी बात नहीं है। अपन समझे महाप्रभु जी ने ही रहस्य खोजो, ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु जी से 400 साल पहले ये रहस्य शंकराचार्य ने खोज के रखे है, और ये रहस्य च्वांगजू ने खोजो या कन्फ्यूशियस ने खोजो ये बात भी नहीं है। कन्फ्यूशियस तो शंकराचार्य से बहुत पहले भयो, पर कम से कम अपन ये बात समझ सकें कि शंकराचार्य को भी ये रहस्य अच्छी तरह से पता है। वो पैसेज में आपके सामने पढ़ना चाहूंगो, वो या तथ्य सु कितने ज्यादा वाकिफ हैं शंकराचार्य, और वहां शंकराचार्य कह रहे हैं एक बात बहुत मजेदार। उपनिषद को पैसेज है, बहुत खूबसूरत पैसेज है, पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुरस्स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत। दो पाया जानवरन को, चौपाया जानवरन को और छह पाया जानवर को और जितने पैर वाले जानवर हैं उन सब जानवरन को वाने अपने रहने को घर बनायो। वाने हेवन ने हेवन को, ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को, इन दो पाया चौपायान को वाने अपनो रहने को घर बनायो और इनको घर बना के इनके भीतर वो रहने लगे।
घर भी वाने बनायो, रह भी खुद रहे है, करोलिया की तरह, मकड़ी की तरह, मकड़ी घर अपने में सु। शंकराचार्य भी यह बात को कह रहे हैं, आत्मकृत परिणाम, ये घर वाने बाहर से नहीं बनायो है, मकड़ी जैसे अपने रहने को घर खुद में सु बनावे और खुद अपने में सु अपनो घर बना के खुद वहां में रहवे, ऐसे वाने ये पुरुष चक्र द्विपद, पुरुष चक्र चतुष्पद, पुरुष पक्षी भूतवा पुरा पुरुषमाविशत, वह इन सब पुरन में, पुर माने पूरी, इन पुरन में आके और वो आनंद सु रह रहे हो, हर घर में अलग अलग मजा ले रहे हो, इतने सारे घर हैं वाके। उपनिषद के कितने घर हैं बोले, हजारों करोड़ों अब्जों घर हैं वाके, एक घर थोड़ी है, कितने गिनाए जा सके। उपनिषद खुद पूछे कि अरे इतने सारे घर बनाने की जरूरत क्या, एक घर में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। उपनिषद खुद ही सवाल कर रहे हो कि इतने सारे घर बनाने की जरूरत क्या, रहने के लिए एक घर पर्याप्त है, तो इतने घर बनाने की जरूरत क्या आती है। उपनिषद खुद यह बात को बहुत अच्छे ढंग से समझावे कि वाके पास इतनी सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों से कितने रूप प्रकट हो सके हैं, कितने पुर प्रकट हो सके हैं, उतने पुर बना के उतने पुर में रहे, वहां में अपन पूछने वाले कौन। बाकी इतनी सारी शक्तियां, यह पॉइंट पे अचानक शंकराचार्य ने, भगवतपाद शंकराचार्य ने एक बहुत ड्रास्टिक क्वेश्चन खड़े किया है कि ये शक्तियां क्या बला है, शक्तियां वही हैं कि अलग हैं वासु। और भगवतपाद शंकराचार्य खुद कबूल करें कि एक ही है शक्ति, और वो इतने सारे विविध घर बनाने वाली शक्ति, और वो दो फिनोमिना नहीं है, एक ही फिनोमिना है। महाप्रभु जी से पहले उनको यह बात पता है कि नहीं है, डेफिनेटली पता है। वाके बाद फिर समर सोल्ट खा जाए मायावाद को, क्योंकि उनको आज्ञा है, बोले यही सी तो हम कह रहे हैं कि सब मिथ्या है। भाई जब वो शक्ति एक है तो मिथ्या कैसे हो गई। ब्रह्म, देखो एक बात समझो, ये महाप्रभु जी ने भी और मैं समझूं शायद पार्थसारथी मिश्र ने या मध्वाचार्य जी ने भी यह पॉइंट को बहुत ब्लो अप किया है, और ब्लो अप करके वो कह रहे हैं कि यदि ये एक जादू है, जादू ही शक्ति है, तो जादूगर अपना जादू ऑडियंस को दिखावे, वाके पास ऑडियंस कहां है जाकू ये जादू दिखा रहे हो, ये तो बताओ। अब यदि तुम कह रहे हो कि ऑडियंस भी वो खुद बनियो है, तो खुद खुद को तो बेवकूफ बनाएगा नहीं कभी। जादूगर अपने जादू से खुद तो बेवकूफ नहीं बन सके, जादूगर अपने जादू से ऑडियंस को बेवकूफ बनावे, खुद को तो बेवकूफ नहीं बनावे। तो ये बात आई कहां से कि अपन बेवकूफ बन रहे हैं माया अविद्या के कारण, विद्या माया मनोमय। तो कह रहे हैं माया मनोमय है, या में डो डाउट नहीं है, यही तो वकी लीला है कि वो अपने आप को अनश्वर होते भय भी इन दो साधनन के द्वारा अपनी नश्वरता भी प्रकट कर सके है। और जैसे कि महर्षि अरविंदो कहें कि गॉड इज वन बट ही इज नॉट बाउंड बाय हिज यूनिटी, वो एक होते भय भी अपनी एकत्ववा के लिए बंधनकारी नहीं है, वो अनेक भी हो सके है। वह न्याय सो वाकी एक होते भय भी शक्तियां अनंत हो सके हैं, और अनंत शक्ति इनके कारण वो अनेक पुरन को निर्माण करे है, और अनेक पुरन के निर्माण करने के बाद अनेक पुरन में वो स्वयं वास भी कर सके है, और वह वास करने के कारण वहां में शंकराचार्य ने एक प्रश्न और बहुत खुलासा मजेदार किया है कि इतने सब पुर बनाने की जरूरत क्या। तो बोले वाकी शक्ति इंप्लीमेंट कैसे होती, नहीं तो बात ध्यान समझो कि अपने में देखने की शक्ति है तो अपन को देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे, सुनने की शक्ति है तो अपन सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे, अपने हाथ में कुछ करने धरने की शक्ति है तो खाली हाथ को यूं स्थिर रखो, थोड़ी देर में डिस्कम्फर्ट फील होगा तो हाथ से कुछ करना चाहेंगे, चलने की शक्ति है तो चलना चाहेंगे। तो जहां जहां अपने भीतर जो जो शक्ति है वो अपन वापरना चाह रहे हैं, वाने वापरिय शक्ति है, अनंत शक्ति है, वाने अपनी अनंत शक्ति वापर के जाकू महाप्रभु जी सर्व भवन सामर्थ्य कह रहे हैं,
उन सर्व भवन सामर्थ्य को वापर के वाने सब भवन बना दिए हैं, भुवन बना दिए हैं, उन भुवनन में वो रह रहे हो। वहां में माया कहां से आई, मायिकता और अविद्या कहां से आई, आनी नहीं चाहिए। भाषा तो इतनी मीठी है शंकराचार्य की, किमर्थम पुनः प्रतिरूपम आगमनम तस्येत्युच्यते, इतने सारे रूप धर के आ रहे हो ऐसे कहने की जरूरत क्या है। तदस्य आत्मनो रूपम प्रतिचक्षणाय, वाक्य भीतर कितने रूप हैं वो तुमको समझाने के लिए, प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय, टू मेक यू अवेयर कि इतने रूप मेरे भीतर हैं। वाक्य बात करें, यदि ही नाम रूपे न व्याक्रियते तदा अस्य आत्मनो निरुपाधिकम रूपम प्रज्ञान घनाख्यम न प्रतिख्यायत। बहुत मीठी बात कह रहे हैं शंकराचार्य, यदि इतने सारे रूप नहीं धारण करते तो आखिर प्रज्ञान घनता प्रकट कैसे होती। किवाने अपने प्रज्ञान घन में सु ऐसे जड़ रूप भी प्रकट करके दिखा दिए, यही तो बाकी प्रज्ञान घनता है।